जॉइनिंग है रश्मि। अत्र बराबर है हर्षिता ने फोन करो भाई स्टार्ट करें स्टार्ट हुई एक मिनट कोर्स करे इधर देखो इस तरह ठीक है कहीं तो बोलो। हेलो फ्रेंड्स, मैं मीठी सी मुस्कान लिए सीमा सिंघवी आज आपके सामने मेवाड़ सखी पेज पर प्रस्तुत कर रही हूँ मुखवास का एक सेशन। आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगा और एक्साइटमेंट लगेगा कि इसमें बहुत कुछ नया है। और मैं इससे पहले सेशन शुरू होने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं सीमा सिंघवी जोगेश्वरी से हूँ, मैं हाउस मेकर हूँ और मेवाड़ सखी पेज का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मेरा हुनर सबके सामने लाने का मौका दिया। और मैं ऑर्डर्स भी लेती हूँ और बहुत सारी क्लासेस भी मैंने अभी तक ली है। और आप सबका जो मुझे उत्साह बढ़ा रहे आप मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, कमेंट सेक्शन में आपको थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक सबका मुझे मिल रहा है। मेवाड़ सखी ऐसा स्टेज है जो अपने अंदर जो हुनर छुपा हुआ है वो अपने हुनर को बाहर लाने के लिए ट्राई करते हैं कि भले कोई कभी किसी भी कैमरे के सामने नहीं आया फिर भी वो अपना हुनर दिखाने में इतना कॉन्फिडेंट उनके उनके अंदर आ जाता है कि वो अपना हुनर सबके सामने ला सकता है। थैंक यू सो मच मेवाड़ सखी। तो हम शुरू करें अपनी क्लास, चलिए शुरू करते हैं। आज मैं सबसे पहले आपको सिखाने जा रही हूँ पान का मुखवास। तो पान मुखवास के लिए सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूंगी आपको क्या क्या सामग्री उसके लिए चाहिए और कितनी कितनी चाहिए। और मैं सेशन शुरू होने से पहले आप सबको बता देती हूँ कि आप सबके अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप चैट बॉक्स में अपना चैट डाल सकते हैं। मैं सेशन पूरा होने के बाद पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी क्वेरीज के आंसर दे सकूं। तो सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पान मुखवास बनाना चाह रहे हैं तो आप सबको दिख ही रहा होगा ये मैं 50 पान के पत्ते मैंने लिए हैं, इनको मैंने धो के सुखा दिया है और बारीक कट कर लिया है। ध्यान रहे ये कि पानी अंदर बिल्कुल ना रहे क्योंकि पानी अगर रहेगा तो आप इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर नमी नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए हमको व्यवस्थित इसको पंखे में सुखा देना है। और इसके इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ, मैंने एयर टाइट डब्बे में भर दिया ताकि सारी चीजें कुछ भी सीलन ना आए। ये मैंने रोस्ट करके धना दाल जो है क्रश कर ली। क्रश मतलब खाली आपको एक झटका ही लगाना है, ज्यादा उसको पीसना नहीं है, जस्ट थोड़ा सा उसको एक ही खाली क्रश करेंगे उसको मिक्सी में। और अगर सीलन है तो आप थोड़ा सा उसको सेक कर करेंगे तो वो बेटर टेस्ट देगा आपको। और सेकेंड इंग्रेडिएंट्स है ये सौंफ, बड़ी सौंफ जो आती है वलियारी वो है, उसको मैंने थोड़ा सा सेक लिया है और उसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया है और इसको थोड़ा सा क्रश किया। धनिया दाल से थोड़ा कम इसको क्रश कर, इसको जस्ट एक झटका देना है हमको मिक्सी में। और इसको थोड़ा सा ज्यादा क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी होती है तो मुमर आती है तो बच्चे नहीं खाते। और ये है हमारी पान की पत्ती जो पान की शॉप पर आपको अवेलेबल होगी। ये ड्राई आती है, एकदम ड्राई थी पर मैंने इसको वॉश किया है, छन्नी में पूरा सुखाया है और इसका पूरा पानी निकला क्योंकि ध्यान रहे कि इसके अंदर बारीक मिट्टी बहुत आती है। तो वो हम घर पर अगर कोई भी चीज बना रहे हैं मुखवास, देखो बाहर से आप लाते हो तो आपको नहीं समझ में आता है कि उसमें आप क्या चीजें आप खा रहे हो, बट हम सेशन इसी के लिए मेवाड़ से की ये सेशन लाई है कि आप घर पर बनाए और हेल्दी और सेफ। तो इसको मैंने धोया है पानी में नितार कर, ऊपर से जैसे अपन कोथमीर को धोते वैसे आप इसको धोए और पूरा ऊपर से मैंने इसको ले लिया और छन्नी में पूरा सुखा दिया इसको। देखिए ये पान की पत्ती, इसको शॉप में जाएंगे पान की पत्ती बोलेंगे, बारीक पान की पत्ती, ये ठंडक देती है अपने बॉडी को। तो ये कंपल्सरी है कि पान में ये चाहिए ही चाहिए आपको।
और ये है मेरे पास गुलकन है, ये पतंजलि का गुलकन मैंने लिया है, बेस्ट क्वालिटी है ये, बहुत अच्छा है। पतंजलि के बाकी प्रोडक्ट मुझे नहीं पता है, बट ये प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है इसका गुलकन। और गुलकन आप सबको पता ही है कि बॉडी में ठंडक देता है। और क्वांटिटी में बता दूं आपको कि आप 50 पान के पत्तों में कितनी क्वांटिटी लेंगे। आपको ये 50 ग्राम मैंने पत्ती ली है और 1/4 किलो मैंने ये धनिया डाल लिए। थोड़ी सी इसमें मैंने ज्यादा पीसी है क्योंकि मैं कड़ी पत्ता का भी सामान आपको साथ में बता रही हूँ। और ये मैंने धना दाल ली है, वो भी धना दाल और वलियारी, वलियारी और धना दाल आपको सेम क्वांटिटी लेनी है। आप जितना भी बना रहे, जैसे 50 का बना रहे, 100 का बना रहे या 250 का बना रहे, तो आपको जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ानी है, पर ये ध्यान रहे कि धना दाल और सौंफ बराबर मात्रा में लेनी है। और पत्ती थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई तो कोई इश्यू नहीं है, बट 50 ग्राम आपको चाहिए टेस्ट के लिए। और ये हमने लिया है 200 ग्राम गुलकंद। और ये है मेरे पास, देखिए ये मिंट है जो इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी, पान की शॉप में आपको अवेलेबल होगी, मिंट की बॉटल है। और ये है कश्मीरी सुगंध, शायद आपको सबको दिख रही होगी, मुझे चैट बॉक्स में आप कमेंट्स डालें ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी आवाज़ भी प्रॉपर आप तक पहुंच रही है और आपको सामग्री जो भी मैं दिखा रही हूँ वो प्रॉपर दिख रही है। और इसमें मैंने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट से मेरा जैस्टीमत पाउडर, ये देखिए मैंने बारीक इसको पीस लिया, जैस्टीमत और दालचीनी का पाउडर, क्योंकि अभी दालचीनी बहुत ज़रूरी है हमको खाना, ऐसे तो हम खा नहीं सकते, बट एक चुटकी अगर इसमें डाल दी तो आपको पता नहीं चलेगा, बट टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जैस्टीमत पाउडर और दालचीनी मैंने पीस कर एक छोटा टीस्पून, मतलब चुटकी भर। और अब ये मैंने मुखवास में माउथ फ्रेशनर के लिए हमने ये यूज़ किया है, इलायची, काली मिर्ची और लौंग, लौंग 2-3 खाली, 50 पत्तों के हिसाब से 2-3 लौंग, 3-4 इलायची और 2-3 काली मिर्च, ये जस्ट टेस्ट के लिए। अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, बट ये माउथ फ्रेशनर के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। और अगर आप ऐसा है कि भाई किसी किसी को इलायची का टेस्ट नहीं पसंद आता है तो आप नहीं भी डालेंगे तो कोई वो उसमें नहीं है, लेकिन ये टेस्ट माउथ फ्रेशनर जो आप रेडी बाहर पान खाते हैं तो उसमें आता ही है इलायची का पाउडर। और मेन इंग्रेडिएंट्स ये अब ये हैं, ये कश्मीरी सुगंध, कश्मीरी सुगंध सॉरी मीनाक्षी चटनी, इसको मीनाक्षी चटनी बोलते हैं, ये सब पान की शॉप में अवेलेबल हो जाती है, आप इसको देख सकते हैं। ये तीनों चीजें कंपलसरी है इसमें डालने की, मिंट, मीनाक्षी चटनी और कश्मीरी सुगंध, क्योंकि ये तीन चीजों के बिना आपको टेस्ट नहीं आएगा, ये ऑप्शनल नहीं है, आपको डालना कंपलसरी है। जैस्टीमत पाउडर और ये इलायची पाउडर आपको ऑप्शनल है, आप डालेंगे तो भी ठीक, नहीं डालेंगे तो भी कोई इशू नहीं। और इसमें मैंने 50 पान के पत्तों में ये मैंने शुगर लिए, 200 ग्राम शुगर लिए। शुगर को आप शुगर की मात्रा को कम ज्यादा कर सकते हैं मीठे के हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी गुलकंद मीठा होता है, उसमें शुगर आती है। और मैंने ये सादी शक्कर आज आपको दिखाने के लिए, बट मैं अपने घर पर बनाती हूँ खड़ी साकर का बनाती हूँ, जो ज्यादा हेल्दी होता है और फैट्स नहीं करता है बॉडी के लिए, और हर कोई खा सकता है, और बच्चे भी अगर कितना भी खाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं आपको ये रेफर करना चाहूंगी कि खड़ी साकर आप ले तो ज्यादा बेस्ट है, और मैं ऑर्डर्स भी लेती हूँ तो खड़ी साकर ही डालती हूँ ताकि कि वो किसी को नुकसान ना दे। तो ये 200 ग्राम जो शुगर है मेरी, उसमें ये पानी मैंने डाला है। अब इसकी चाशनी बनाने के लिए मैं दे रही हूँ। चाशनी में हमको इतना ध्यान रखना है, ये पानी चाशनी में हमें इतना ही ध्यान रखना है कि शुगर जो आप ले रहे हैं खाली डूब जाए उतना पानी आपको डालना है। ज्यादा पानी की मात्रा डालेंगे तो वो सूखेगा नहीं, हमको इतना ही पानी डालना है कि वो शुगर खाली अंदर गल जाए। उतना शुगर डालेंगे और दो बॉइल लेंगे, शुगर गल जाने के बाद दो बॉइल, जैसे आप गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं वैसी पतली नहीं, थोड़ी सी ज्यादा, दो तार आता है, आपको पता चल जाता आप स्वीट्स बनाते होंगे। नेटवर्क इशू है और किसी को नेटवर्क इशू है, आवाज का कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि मुझे समझ में आ जाए मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है नहीं है, वीडियो नहीं चल रहा है। सबको मेरी आवाज आ रही है और मैं दिख रही हूँ बराबर आप सबको, इंग्रेडिएंट्स बराबर दिख रहे हैं आप सबको, वीडियो क्लियर नहीं है। ठीक है डन, तो ओके मैसेज आ रहा है आप सबका कि क्लियर है, ओके थैंक यू सो मच। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स है, अभी हम सब इंग्रेडिएंट्स अब जब तक चाशनी बनकर आ रही है, चाशनी का खाली आपको इतना ध्यान रखना है कि गुलाब जामुन की जो चाशनी पतली बनाते हैं वैसी नहीं चाहिए, हमको दो तार की चाशनी चाहिए। जनरली हम जैसे सब में अपन चक्की वगैरह जमाने के लिए बनाते हैं वैसी चाशनी हमको चाहिए, पानी अगर ज़्यादा रहेगा तो सूखेगा नहीं, इसके लिए हमको चाशनी थोड़ी सी थिक चाहिए। और ये पत्ते तक की बस उसमें खाली हमको मिक्स करके ये सब इंग्रेडिएंट्स डालने हैं,
तो 2 मिनट जब तक आपके पास बनकर आती है तब तक मैं ये कड़ी पत्ता का भी आपको समझा देती हूँ, क्योंकि सेम प्रोसेस है इसका भी, खाली पान के रिप्लेस में हमको ये कड़ी पत्ता डालना है। इसको भी मैंने धो लिया है, ये 2 जोड़ी कड़ी पत्ता है आप सबके सामने ये, और मैंने इसको बारीक कट कर लिया है। और कड़ी पत्ता आपको सबको पता ही हुआ कि क्या क्या अपनी बॉडी में फायदा करता है, एसिडिटी को दूर करता है, बालों का झड़ना रोकता है। आप ऐसे जनरली आप दाल में डालते आप नहीं खा पाते, मैं खुद निकालती हूँ साइड में, तो आप ऐसे पान के मुखवास में खाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कड़ी पत्ता का मुखवास खा रहे हैं, और आपके पेट में चला जाएगा। और बहुत फायदा करता है कड़ी पत्ता, इसके लिए मैंने कड़ी पत्ते का मुखवास स्पेशली यही रखा है कि बच्चे भी खा ले इसमें, और बालों का जो हेयर फॉल है उससे रुकेगा और एसिडिटी रुकेगी। तो इसके लिए मेरा सेम इंग्रीडियंट से धना दाल, वलियारी और ये पान की पत्ती और ये गुलकंद और ये मिंट, ये वापस अगेन मैं दिखा रही हूँ, यही कड़ी पत्ता का सामान है सारा, यही सामग्री हमको चाहिए। कश्मीरी सुगंध, मीनाक्षी चटनी और केसरीमट पाउडर जो ऑप्शनल है, केसरीमट पाउडर और इलायची पाउडर, लौंग, ये सब ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें आप ना चाहे तो नहीं डाल सकते हैं। अब आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह आपको उसको मिक्स करना है। तो मैं आपको अभी चाशनी दिखा रही हूँ कि किस तरह बनकर रेडी होकर आई है चाशनी। आपको जिस तरह मैंने बताया कि कड़ी पत्ता और पान का सेम प्रोसेस है, तो मैं वो दोनों चीजें साथ में आपको बताऊंगी कि किस तरह आपको दोनों बनानी है। तो पहले मैं ये देखिए चाशनी बन चुकी है पूरी, ये देखो ये थिक है, ये देखो ये थिक है पूरी, मतलब पतली नहीं है ये थिक है, और जस्ट थोड़ी एकदम भी ड्राई नहीं किए, नहीं तो हम चीजें इंग्रेडिएंट्स मिक्स नहीं कर पाएंगे इसमें। अब इसको मैं थोड़ा सा इसमें कढ़ाई में एकदम थोड़ा ठंडा कर रही हूँ, ये बहुत गर्म है अभी अभी बनकर आया है तो थोड़ी सी गर्म है, ये चाशनी मैंने थोड़ी सी रख दी तो मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी। अब ये सबसे पहले ये ध्यान रखें कि हमको इसमें थोड़ी थोड़ी ठंडी होने के बाद अब इसमें मिंट डालनी है। मिंट डालें तो ध्यान रखिए कि थोड़ी सी आंखें जलेगी, क्योंकि मिंट एकदम अपना स्मेल छोड़ती है, तो थोड़ी सी अब आप सोचेंगे कि 50 पान में आप कितनी डाल रहे हैं, ये है कि इसका हिसाब है कि 250 में ही पूरी बॉटल जाती है, और 250 पान का 5 किलो बनता है, तो अब हम 50 पत्ते का बना रहे हैं, तो मैं ये छोटा टीस्पून भर के इसमें डाल रही हूँ। और ये मिंट थोड़ी कम ज़्यादा अपने हिसाब से, थोड़ी सी कड़ी पत्ता में ज़्यादा चाहिए और पान में बराबर चाहिए अपने। ये देखिए ये मैंने मिंट इसमें डाल दी, जैसे आपको दिख रही होगी पूरी इसमें मेल्ट हो गई है अच्छी तरह से, और अब मैं इसमें डालती हूँ। अब मैं इसमें मीनाक्षी चटनी डाल रही हूँ। मीनाक्षी चटनी एक बड़ा चम्मच भर के डालेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा आता है पान में। 1.5 चम्मच देखिए मैंने आपके सामने डाल दी है, मीनाक्षी चटनी डाल दी है, काफी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल रही है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें गुलकंद। चाशनी में सब ले रही हूँ ताकि मैं पूरा मसाला एक साथ बना सकूं और दोनों में मिक्स अलग अलग करूँ। अब मैं ये गुलकंद डाल रही हूँ, देखिए आपके सामने ये गुलकंद मैंने मिक्स कर दिया है, देखिए अच्छी तरह से ये मैंने गुलकंद मिक्स कर दिया। अब ये गुलकंद भी थोड़ा चाशनी जैसा ही होता है तो वो भी पानी थोड़ा छोड़ेगा। ये देखिए पूरा एकदम अच्छी तरह से देख रहे जैसे आप लोग को दिख रहा होगा कि बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं डाल रही हूँ कश्मीरी सुगंध, जो बहुत मतलब अच्छी खुशबू पान में जैसे कत्था होता है वैसा, ये भी एक ऑप्शनल है आप पर, ये टेस्ट मेन जो मैंने पहले बोला कि ये मेन इंग्रेडिएंट्स है तो टेस्ट इससे बहुत अच्छा आता है। ये मैंने 2 चुटकी डाला है, ये देखिए मैंने इसको पूरा अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी चाशनी भी तो जल्दी ठंडी हो गई, आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाए तो ध्यान रखें कि थोड़ी चाशनी ठंडी होने के बाद आगे की चीजें डालें। अब ये देखिए आपके सामने मैंने पान की पत्ती डाल रही हूँ, अब ये मैं वड़ियारी डाल रही हूँ, सौंफ डाला है मैंने, अभी देखिए मैंने मसाला अच्छी तरह इसको मैं तैयार।
देखिए इस तरह ये थोड़ा देखो ड्राई होने भी लग गया है। देखिए आप जैसे कि आपको सबको दिख रहा है इसी तरह कमेंट बॉक्स में डाले अगर कोई भी क्वेरीज है आपको कि भाई यहाँ क्या कितना डालना है, आपने कितना डाला समझ में नहीं आया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चैट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। मैं सेशन के बाद पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकूं। ये देखिए किस तरह ये मैंने मसाला मिक्स कर दिया है। अब मैं डाल रही हूँ ये जैस्टी मत पाउडर जो बहुत अच्छा फ्लेवर देगा, इलायची, लौंग, काली मिर्ची, इसको भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी ताकि कहीं पर एक जगह ऐसा नहीं कि काली मिर्ची रह जाए, तो मेरे को इसको प्रॉपर मिक्स करना है एकदम व्यवस्थित। इसको मिक्स कर दीजिए जैसे आपको सबको दिख रहा होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। अब ये देखिए ये मेन मसाला ये तैयार हो चुका, अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ये देखिए देखिए आप सबको दिख रहा होगा, अब बस लास्ट इसका प्रोसेस है। हमको बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कश्मीरी सुगंध और इसकी मीनाक्षी चटनी की और मिंट का जो तीनों का फ्लेवर मिल जाता है। अब ये पान का पत्ता, तो ये मैं थोड़ी सी मैंने मसाला साथ में बना दिया, इंग्रेडिएंट्स आपको पूरे दो बार दिखा चुकी हूँ। बस कड़ी पत्ते का मैंने, कड़ी पत्ते में भी सेम क्वांटिटी 50 पत्ते, जैसे अगर बाउल भर के आपने लिया तो आपको ये बाउल भर के शुगर लेनी है, आधा पानी लेना है, खाली टूट जाए उतना आपको ध्यान रखना है। अब मैंने देखिए ये कड़ी पत्ता इसके अंदर ये मसाला डाल दिया, देखिए अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। देखिए ये पान देख लीजिए आप इस तरह कि ये मिक्स हो रहा है, कड़ी पत्ते का इधर मिक्स हो रहा है और ये पान का मैंने थोड़ा सा मसाला इसमें से कम कर दिया मैंने, क्योंकि साथ में मसाला बनाया था कड़ी पत्ता का और पान का क्योंकि सेम इंग्रेडिएंट्स है। तो अब ये मैं पान आपके सामने दिख रहे जो 50 पत्ते मैंने काटे वो मैं अंदर डाल रही हूँ। अब इसको थोड़ा सा आपको हाथ से मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि ये स्पून से व्यवस्थित मिक्स नहीं हो पाएगा क्योंकि पान का पत्ता है तो वो ऊपर ऊपर रहता है। और इधर ये कड़ी पत्ते का मिक्स हो रहा है जैसे आप देख सकते हैं, ये कड़ी पत्ते का मिक्स हो रहा है और ये इधर मैंने मिक्स किया है पान का क्योंकि साथ में मैंने बनाया था दोनों का मसाला क्योंकि सेम इंग्रेडिएंट्स से मैं वापस बता रही हूँ आप सबको। फिर भी कोई सामग्री में आपको है कि ये सामग्री क्या डाला क्या मिलेगा तो आप मुझे चैट बॉक्स पे बता सकते हैं, मैं आपको बाद में दिखा। प्रॉपर मिक्स करने के लिए इसमें मुझे हाथ यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि स्पून से मिक्स करूंगी ये प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ये पान का पत्ता है वो, और मसाला प्रॉपर लग जाए कोई भी इंग्रेडिएंट्स किधर एक जगह ना रह जाए इसके लिए हमें प्रॉपर हाथ से इसको मिक्स करना है। जैसे आपने देख लिया है कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, ये देखिए ये प्रॉपर पूरा अच्छी तरह से एकदम मिक्स हो चुका है। अब इसको अब देखिए इसका मेन क्या है कि अगर आपका पूरा अच्छा बना है वो कैसे पता चलेगा कि अच्छा बना है, आप ये देख सकते हैं ये कड़ी पत्ते का भी मिक्स कर दिया है, देखिए ये भी पूरा अच्छी तरह से मिक्स किया। थोड़ी क्वांटिटी तो स्पून से हो गई और ये क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है तो हाथ से करनी पड़ी मुझे। अब देखिए इसका मेन है कि आपको ये बराबर बन गया, कैसे पता चलेगा आपको बराबर बना कि आप हाथ लगा रहे और नीचे शुगर का पानी बिल्कुल भी नहीं छूट रहा है, चाशनी बहके नहीं आ रही है, तो चाशनी का ध्यान रखें कि चाशनी वैसी बने कि आप ज़्यादा पानी नहीं हो, शुगर में ज़्यादा पानी नहीं डालें, शुगर में पानी खाली डूब जाने जितना, आधा कप जितना पानी, एक कप शुगर, जैसे 200 ग्राम शुगर ली थी मैंने, ये बाउल भर के आपके सामने शुगर डाली थी तो मैंने ये हाफ कप बाउल वाटर डाला, इससे भी थोड़ा कम। आप चाशनी बनाएंगे कढ़ाई में डालेंगे आपको समझेगा कि शुगर डूब गई हो गया, और एक उकाला आया शुगर गल गई, दो उकाले के बाद बंद कर दीजिए ताकि आपकी चाशनी सही आपको ऐसे ही पता चलेगा कि नीचे पानी नहीं छूटा है, बिल्कुल देखो ये ड्राई हो गया है। अब आप इसको स्टोर के लिए आप इसको गीला भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को गीला पसंद होता है,
कि ताजा पान खाना अच्छा लगता है, तो आप इसको फ्रीजर में रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। ज़्यादा ठंडा खाना है तो फ्रीजर में से तुरंत खाने के लिए, बाकी नीचे फ्रिज में रखें। और मैं जनरली इसको 5 किलो एक साथ बनाती हूँ, तो इसको पूरा व्यवस्थित अपना जो गेहूं का बोरा आता है, बोरी आती है प्लास्टिक की, उसके ऊपर आप इसको पूरा अच्छी तरह से फैला के पतला कीजिए और पतला कपड़ा उड़ाकर धूप में सुखा सकते हैं। 5 से 6 दिन में पूरा व्यवस्थित सूख जाता है और ये कम से कम 1 साल से 1.5 साल चलता है जितना वो सूखा है। क्योंकि सूखने के बाद मैं आपको बता दूं कि किस तरह बनेगा। ये आपने गीला देखा, ठीक है, और ये आपने कड़ी पत्ते का गीला देखा, ये देखिए देखिए बिल्कुल किस तरह से गीला है, चम्मच बिल्कुल कहीं पर भी पानी नहीं छूटा है, आपको नहीं दिख रहा। मैं कैमरे के थोड़ा नजदीक कर देती हूँ। कोई भी क्वेरीज है मैं सबको बोल रही हूँ, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको बाद में आंसर दे दूंगी। देखिए वापस मैं एक बार फिर से कहूंगी कि बिल्कुल भी देखो पानी नहीं है, बिल्कुल ये किस तरह, ये देखो ड्राई है, एकदम ड्राई। और हाँ, सुखाने के पहले एक चीज का ध्यान रखिए, इसको एक दिन पूरा दिन, जैसे आज मैंने बनाया है तो कल नहीं सुखाऊंगी मैं, परसों से सुखाना चालू करूंगी। एक दिन ये कढ़ाई के अंदर ही रहेगा और गलता रहेगा, क्योंकि जितना ये पान का पत्ता चाशनी के अंदर और गल जाएगा तो वो टेस्ट अच्छा देगा जितना गलने के बाद, ठीक है। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि सूखने के बाद ये कैसा लगेगा। गीला भी बहुत लोगों को गीला पसंद होता है और बहुत लोगों को ऐसा है कि ड्राई पसंद होता है। तो अब आपके सामने पेश है ये किस तरह की, देखिए ये है कड़ी पत्ते का मुखवास है, जो देखिए किस तरह ये देखो, ये ड्राई होने के बाद देखिए एकदम, ये तो ऐसे ड्राई बोले तो मैं खुद पास, देखिए ड्राई होने के, देखिए देखिए ड्राई होने के बाद देखिए, ऐसे मैं अगर किसी बाउल में डाल रही हूँ तो बिल्कुल देखो चिपकता नहीं है कहाँ पर भी, ये देखिए मतलब पूरा अपने आप गिर रहा है नीचे, मुझे गिराना नहीं पड़ रहा है इसको। तो ये है कड़ी पत्ते का सूखा हुआ मुखवास, जो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह दिखेगा। और सेकेंड में दिखा रही हूँ आपको ये पान का मुखवास, तो देखिए आप ये किस तरह सूख जाएगा। ये देखिए ये बिल्कुल देखो, मैं एक से दूसरे बाउल में आपको डाल के बताऊंगी कि आपको पता चलेगा कि बिल्कुल देखो किस तरह सूखा हुआ। ये देखो ये देखो, ये बाउल से पूरा खाली किया, जरा भी कहीं इधर चिपका हुआ नहीं, और इसमें से इसमें मैंने खाली किया तो ये देखिए इसमें जरा भी चिपका हुआ नहीं। तो यही इसकी पहचान है कि ये आप एक साल तक आपके पास स्टोर रहेगा, क्योंकि दोनों में चिपका हुआ नहीं है। बट कभी कभी किसी को ऐसा रहता है कि ये नहीं एकदम ड्राई नहीं अच्छा लगता, ये क्या ट्रैवलिंग में आप कहीं पर भी अपना जी घबराता है, अपने को मिंट की ज़रूरत पड़ती है तो अपन कैरी कर सकते हैं, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और घर का दो बार बनाइए, आप बोलेंगे कि नहीं अभी बाहर का हमको नहीं जमेगा ही नहीं, हमको घर का ही चलेगा। और खड़ी साकर वो मैंने आपको पहले ही बताया, वो ध्यान रखिए। और ये थर्ड है कि कभी कभी मेरे बच्चे या मेरे घर में ऐसे रिक्वायरमेंट है कि थोड़ा सा थोड़ी सी नमी वाला भी कभी कभी मांगते मेरे बच्चे, तो ये भी क्या किया मैंने, ये थोड़ा हल्का कम सुखाया। ये देखो ये भी मैं ये फ्रिज में नहीं, ये बाहर ही रखी, ये थोड़ा सा नमी वाला है देखिए। और इसमें मैंने इसको शाही पान मुखवास बोलते हैं, इसमें मैंने थोड़ी सी पान के पत्ते मिक्स कर दी, जो पान के पत्ते वैसे गुलकंद पान के पत्ते का ही बनता है, बट मैंने इसको थोड़ा और फ्लेवर देने के लिए, पान का शाही मुखवास फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें पान की पत्ती, सूखी हुई पान की पत्ती, ध्यान रहे सूखी हुई पान के पत्ते, मैंने खाली रोज को लाख के पेटल को धोकर सुखा दिया और फिर मैंने मिक्स करके ये एक शाही पान उपवास भी अलग से बनाया हुआ आपके सामने, देख सेम इंग्रेडिएंट्स है, खाली उसकी जगह आपको खाली एक ये आपको 5 से 6 दिन सुखाना है, साल भर रखने के लिए 5 से 6 दिन। और अगर आपको थोड़ा गीला चाहिए तो आप 3 दिन सुखा सकते हैं, और आपको चाहिए कि नहीं मुझे गीला ही पसंद है तो आप भर कर फ्रिज में रख सकते हैं, तो वो फ्रेश जैसे अभी आपने पान बनाया और खाया तो आपको कैसा लगेगा, तो वैसा आपको लगेगा, ठीक है। तो आप देखिए ये शाही पान मुखवास इसको बोलते हैं, ये सादा पान मुखवास बिल्कुल ड्राई है, आप 1 से 2 साल मतलब मेरी गारंटी है, ये 2 ईयर्स मैंने रखा हुआ है, कभी खराब नहीं, स्मेल नहीं, जरा भी कुछ भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आता है, खाली ये है कि धूप अच्छी लगे। सुखाए तो उल्टा सीधा, जैसे अभी सुखा दिया ऐसे कैसा सुखाया, ला के रख दिया, नहीं सूखेगा, आपको उसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, जनरली वो आप लोग सब चीजें सुखाते आपको पता ही। हाँ, पर एक चीज और ध्यान रहे कि सुखा रहे हो तो जैसे आज मैंने सुखाया धूप से मैं नीचे लेकर आई हूँ, तो जैसे कि जैसा बोरा समेट के मैं नीचे नहीं रख सकती हूँ, मुझे एक एयर टाइट कंटेनर में वो बोरा रखना पड़ेगा,
मतलब एयर टाइट कंटेनर में मुझे उसको वापस फोल्ड करके रखना पड़ेगा ढक्कन लेके। रोज आप उसको खाली नहीं करें लेकिन वो कंटेनर के साथ में रखें तो वो क्या सूखेगा जल्दी और नमी नहीं पकड़ता है, नहीं तो ऐसे ही नीचे रखोगे वापस शक्कर है चाशनी है पानी छोड़ देती है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे ये शाही पान मुखवास, कड़ी पत्ता मुखवास, साला पान मुखवास और गीला पान मुखवास। तो बहुत मतलब अच्छी तरीके से मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। और किसी को कुछ भी क्वेरीज है तो आप चैट बॉक्स में डालिए, एनी टाइम मैं रेडी हूँ आपके आंसर देने के लिए। थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना इनकरेज कर रहे हैं, मुझे चैट बॉक्स देख के इतनी खुशी हो रही है कि मतलब आप मुझे इतना इनकरेज कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। और सारी हेल्दी चीज़ें भी है इसमें ताकि वो हम लोग उसको मतलब हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अब सेकेंड आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अब मेरा सेकेंड मुखवास आ रहा है आपके सामने, खारक पान। ये बहुत यमी लगता है खाने में और आप सोचेंगे कि खारक क्या, खारक का मुखवास कौन खाएगा घर में, नहीं वो गलत, आपकी गलत फहमी है और ये बच्चे मांगेंगे। मैं लिटरली बोलूँ आपको, मैं बाउल में भर के रखती हूँ, 5 मिनट बाद मेरे बच्चे दोनों पूरा खा लेंगे, 5-10 मिनट मतलब पूरे दिन भर में मेरी एक बॉटल खत्म, मुझे पता ही नहीं चलता कि कब खा गए सब, क्योंकि वो बहुत यमी लगता है। मुझे खुद को मतलब आए गए काम करते हुए एक हाथ मुँह में डाला बहुत टेस्टी लगता है। तो इसकी चाशनी हम लोग, इसके सबसे पहले इसका इंग्रेडिएंट्स है खारक, जो सूखी हुई खारक मार्केट में मिलती है। आपको पैन का मुखवास मुझे जैसे चैट बॉक्स में दिख रहा है कि आपको कब पता चलेगा कि वो सूख गया है, मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि कैसे सूख गया, एक बाउल से दूसरे बाउल में लीजिए, नहीं चिपक रहा है देन वो सूख चुका है। ठीक है, अब आपके सामने ये खारक है, सूखी हुई खारक जो मिलती है आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी बनिए की दुकान पर। मैंने उसको लाया और कुकर में सीटी ले लिया। ठीक है, कुकर में सीटी का ध्यान रहे, पानी के अंदर डायरेक्ट नहीं, बाउल रखा नीचे पानी रखा उसके ऊपर, इसके अंदर पानी टच नहीं करना है, ध्यान रहे नहीं तो वो गीली हो जाएगी और बहुत चिपचिपी हो जाएगी, वो आप नहीं खा पाएंगे और स्टोर नहीं कर पाएंगे, खाने में तो फिर भी अच्छी लगेगी बट वो स्टोर आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम मैंने सीटी इसकी 5 से 6 सीटी, ध्यान रहे 5 से 6 सीटी इसको बजानी, जैसे अपन खमन रखते या दाल रखते हैं, दाल के ऊपर कुछ रख देते कभी बाफने के लिए, ये दाल के ऊपर रखना है, चावल के ऊपर ढक्कन देखे ढक्कन के ऊपर आप ये रखें, या अपन कुछ नहीं रख रहे स्पेशली ये बाफ रहे तो बाउल में रखिए, नीचे पानी रखिए और ढक्कन दे दीजिए। ठीक है, तो जैसे आपको ये दिख रहा है मैंने काट लिया इसको बारीक और इतना ये सॉफ्ट हो चुका है कि आप देखिए मेरा नाखून पूरा अंदर घुस रहा है और कट हो जाता है बारीक। मैंने जैसा मुझे छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से, बच्चे कैसे खाते आप काट सकते हैं उसको। अब इसमें मेन इंग्रेडिएंट है कश्मीरी सुगंध है जो, और ये है मिंट और वही अपनी मीनाक्षी चटनी। अब इसके लिए मैं चाशनी के लिए मैंने एक छोटा बाउल शक्कर लिया है, जैसे ये मेरे पास है सामग्री है 2.5 किलो, मैंने 200 ग्राम है ये मेरे पास खारक। ठीक है, 200 ग्राम खारक वाफी हुई कट की हुई, इसमें मैंने एक छोटा चम्मच शुगर, ये जो है मेरे पास चम्मच, ये अपना पाव चम्मच जो अपना केक बनाते कप आते ना उसमें, ये पाव जो कप है ना उसमें से भी मैंने, मेरे थोड़ा घर पे मीठा कम खाते हैं, शुगर का थोड़ा सा ऐसा है कि ये ऑलरेडी मीठा है तो ये पानी में नहीं बफा है तो इसकी भी मिठास है अपने पास, तो शुगर का थोड़ा कम खाएं तो मेरे लिए मुझे लगता है कि बेटर है वो। तो ये मैंने इतना सा मैंने भरा, ये आप देख सकते हैं पाव कप है, छोटा वाला कप है, उसमें मैंने शुगर ली और इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, पानी का ध्यान रखिए। पानी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें बराबर माप ही बताओ कि हम उतना ही पानी डालेंगे, तो मेरा ये माप है कि वो जो टी स्पून, मैं आपको माप सही बता देती हूँ ताकि आप बिंदास कभी भी अपने हिसाब से बना सके कि भाई यार चाशनी बिगड़ गई तो अभी कैसा बनेगा, वो डाउट ही नहीं, मेरी रेसिपीज इतनी क्लियर रहेगी कि आप एकदम व्यवस्थित बना सकते अपने हिसाब से। ये चम्मच है मेरे पास, ये 1 टेबल स्पून पानी 1 कप में, 1 कप मैंने पूरा नहीं भरना है शक्कर से, और चाशनी मेरे पास बनकर रेडी आ चुकी है और देखिए चाशनी की क्वांटिटी कैसी रख, ये देखिए चाशनी इसकी खारक की जो चाशनी है अपने पास बन के रेडी आ चुकी है। मैं चाशनी की आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह की चाशनी, ये देखो ये ज्यादा थिक बनानी है थोड़ी सी, ये देखिए अब मैं ये गर्म है इसके लिए आपको थोड़ी इतनी पतली भी दिख रही है, सूखने के बाद एकदम कड़क हो जाएगी। तो अब ये मैं इस बाउल में ले रही हूँ गर्म है,
और ये देखें, अब देखिए जैसे अगर आप बना रहे हैं तो कढ़ाई में साइड साइड में शक्कर जैसा चिपकने लग गया तो मतलब आपकी चाशनी, ये ध्यान रहे इसके कड़ी पत्ता और पान से इसकी थोड़ी कड़क चाहिए चाशनी, जैसे पतासा की चाशनी हम बनाते हैं वैसी। और ये गर्म है तो अभी ये थोड़ी आपको ऐसा लग रही है कि हाँ ऐसे गिर रही है। अब इसमें मैं डालूंगी, आप एकदम माप से आपको बताऊंगी तो आपको बराबर पता रहेगा, हाफ टी स्पून मिंट, ये एकदम देख लो अभी, ये देखिए हमने मिक्स कर दिया, ये देखिए अभी मैं थोड़ा सा फटाफट करूंगी नहीं तो ये चाशनी क्या है कि मेरे को मैंने थिक बनाई है तो वो फिर शक्कर बन जाएगी। अब ये मीनाक्षी चटनी जो मेरे पास है, मैं ये वन टीस्पून ये देखिए क्योंकि क्वांटिटी मैंने कम ली है, ये फ्लेवर्ड है तो क्या है थोड़ा अगर आगे पीछे भी आपका अगर हो गया तो कोई इश्यू नहीं है उसमें। मैंने आपको जैसे बताया है कि 200 ग्राम खारक में वन टीस्पून मैंने ये मीनाक्षी चटनी डाल दी, हाफ टी स्पून मैंने ये मिंट डाली, और ये देखो ये मिक्स कर रही हूँ, देखो चिपकने लग गई है, फटाफट हमको करना है ये, ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें कश्मीरी सुगंध, कश्मीरी सुगंध और थोड़ा अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमको कलर डार्क चाहिए, जैसे बाजार में आपको खारक की देखो मिलती, ये कितना डाला है, आपका क्वेश्चन होगा कि ये मैंने कितना डाला है, तो ये भी वही सेम है, मैं छोटा हाफ टी स्पून कश्मीरी सुगंध, हाफ टी स्पून, ठीक है। और भी फिर भी आपको क्वेरीज है कि भाई माप हमको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एनी टाइम पूछ सकते हैं मुझे। ये देखिए किस तरह ये थिक होती जा रही है, जैसे जैसे ये ठंडी हो रही है, देखिए आपके सामने इसे देखो, ये पूरी ये थिक होती जा रही है, आप सबको बहुत अच्छे से दिख रही होगी इसमें। अगर आपको वीडियो में नहीं दिख रहा है तो आप मुझे चैट बॉक्स में डालिए ताकि मैं आप और नज़दीक ला सकूँ। और ये जो बाफी और काटी हुई कारक है ये देख लीजिए, ये मैंने अभी इस चाशनी के अंदर डाली है, ये देखिए अभी ये हिलाने में भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि चाशनी ठंडी होने वाली आ गई है, ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल किस तरह ये देखो ड्राई होने लगता है, ये देखिए हाँ। और अगर ध्यान रखें कि अपने को लग रहा है ना कि ये पूरी तरह नहीं सूख रहा है या चिपचिप रह रहा है, हमको ऐसा नहीं रखना, ये चिपचिप नहीं, अब ऐसा लग रहा है कि नहीं ये नहीं सूख रहा है भाई अपन इसको कैसे खाएंगे ऐसे चिपचिप, नहीं आप इसको थोड़ा सा वापस कढ़ाई में लेके थोड़ा सा गर्म करेंगे ना तो ये और कड़क हो जाएगा, बट अभी ये गर्म है क्योंकि ये अभी थोड़ी नीचे से गर्म है पतीला, तो गर्म होने की वजह से ये अभी चिपचिपी दिख रही है। फिर भी आप अगर घर पर बना रहे खारक की सुपारी तो ध्यान रहे कि आप इसको गैस पर वापस गर्म कर सकते हैं और थोड़ी और कड़क कर सकते हैं, जैसे अपन कोई भी स्वीट्स बनाते हैं और अपने को अगर कड़क चाशनी चाहिए तो अपने चाशनी को अपन थोड़ा वापस गर्म करते तो, और गर्म करेंगे इस खारक नहीं जलेगी, आप डरे नहीं, खाली थोड़ा सा 2 मिनट के लिए घी पे इसको चलाएं, थोड़े नहीं, ध्यान रहे कि अगर वापस गर्म कर रहे तो इसको छोड़ना नहीं है। कश्मीरी सुगंध आपको हर पान की शॉप पर मिल जाए, देखिए किस तरह अभी कश्मीरी सुगंध पान की दुकान पर मिलेंगी, क्लियर आपको दिख रहा है आप सबको, ये देखो ये पूरा किस तरह अभी और ठंडी होने के बाद में और ये ड्राई हो जाएगी, जैसे जैसे ये पड़ी रहेगी जैसे, और मैं वापस आपको बता रही हूँ कि अगर ये सब सामान, सब सामान आपको पान के शॉप पर मिलेगा, जो पान की बड़ी बड़ी शॉप्स होती है, पान जहाँ बनता है वहाँ पर भी आपको वो पान के ऑनर वाले को बोलेंगे कि भाई हमको ला के दे, हाँ बोला ना पान की शॉप पर सारा सामान मिलेगा। मिंट इसमें आपकी क्वेरीज है कि मिंट मैंने इसमें कितना डाला है तो मैं आपको वापस बता दूं कि मिंट मैंने ये जो हाफ टी स्पून कश्मीरी सुगंध भी मैंने उतनी ही डाली है और मिंट भी उतना ही डाल, मिंट क्या ये पीसेज है तो आप इस पर डालेंगे आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर थोड़ी आगे पीछे होगी कम नहीं डालेंगे, थोड़ी सी ज्यादा होगी तो आपको अच्छा फ्लेवर्ड अच्छा है, खाते ठंडा ठंडा लगता है अपने को, और एकदम ज्यादा भी नहीं डाल सकते। देखो मैं वापस आपको दिखा देती हूँ, आपको क्वेरीज है तो मैं आपको क्वेरीज दूर करती हूँ क्योंकि ये जरूरी है ये चीज, ये देखिए ये देखो नीचे से ये जो आ रही नहीं है ना तो ये मैंने ये पूरी डाल, ये देख सकते हैं बस, वो आपको मेवाड़ सखी पेज पे आपको नंबर मिलेगा, आपको ऑर्डर्स भी देना है या और भी कोई क्वेरीज है सीखना है सेशन लेना है क्लासेस, ये देखिए एक किस तरह पूरा देखो ये ड्राई होते जा रहा है, बिल्कुल ड्राई होने लग गया है, और जैसे ये पड़ा रहेगा मैं आपको बोल रही हूँ बीबी अगर 5 मिनट्स आप देखें कि भाई नहीं कड़क हो रहा है तो थोड़ा सा गर्म करेंगे तो और ड्राई हो जाएगा। देखिए अभी ये पड़ा पड़ा ये जैसे अभी हमने 10-15 मिनट आपको इसको रख देंगे ना किस तरह ड्राई हो जाएगा मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए ये बिल्कुल है ना इस तरह होना चाहिए, मेरे हाथों में चिपक रहा नहीं है,
आप सबको दिख रहा हूँ मैं एक से बोल लेते हूँ कि हाँ ऑर्डर्स भी लेते हैं मेरे नंबर से मेवाड़ सा के पेज पर आपको मिलेंगे ऑर्डर्स भी मैं लेती हूँ और बिल्कुल एकदम सेफली घर पर बनाती हूँ। ये देखिए मैं आपको मैं इसलिए डाल रही हूँ एक से दूसरे बाउल में कि आपको पता चले कि भाई बिल्कुल ये चिपचिप नहीं होनी चाहिए, इस तरह का ये बनना चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया तो आप इसको वापस थोड़ा सा गर्म करेंगे, एकदम ड्राई शक्कर है फिर सूख जाएगी वो, ध्यान रहे कि चलाते रहें। और आप अगर चाहिए, मैं यूज़ नहीं करती हूँ, आप चाहिए तो इसमें फूड कलर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, क्योंकि फूड कलर से थोड़ा कलर चेंज होता है तो बच्चे को पता नहीं चलता कि ये खा रहा है, पर खाने में बहुत यम्मी लगती है आपको पता भी नहीं, क्योंकि मिंट कश्मीरी सुगंध और मीनाक्षी चटनी जो तीनों मिलके जो जायके का तड़का लगाते हैं इसमें बहुत अच्छा लगता है। आप फिर से ये देख सकते हो ये खारक की अपनी सुपारी हो गई है, ये पड़ी रहेगी आपको एकदम टाइट और एसिड ड्राई बन जाएगी, नहीं होगी तो भी मैंने आपको फिर से बता दिया कि किस तरह आपको उसको सूखा करना है। अब देखिए अब ये जो दो इंग्रेडिएंट्स और है, आपने कितनी बार बाजार में ये गोंद की सुपारी खाई होगी, गोंद मिंट वाला गोंद आता है, तो ये गोंद जो है मेरे पास गोंद में भी सेम प्रोसेस यही है, इसमें सैफरिन पड़ता है शॉप में सैफरिन, अभी मुझे लॉकडाउन के हिसाब से सैफरिन नहीं मिला है, सैफरिन मिलता है और लिक्विड मिंट, इसमें लिक्विड मिंट आती है, सैफरिन और लिक्विड मिंट मिक्स करते हैं, सैफरिन में मिठास होती है और इसमें लिक्विड मिंट होता है, दोनों को मिक्स करके इसमें डालकर हिलाकर थोड़ा सा स्प्रेड करके रख दो थोड़ी देर बाद, एकदम आपको बाजार का जो गोंद की सुपारी आती है मिंट वाली सेम वैसा ये बनेगा। और ये गुठली, आम की जो गुठली, आपने कभी सोचा होगा कि गुठली की सब्जी तो मारवाड़ियों ने सबने खाई होगी क्योंकि वो अपने में फेमस है, ये आम भी खाएंगे और गुठली को भी हम लोग यूज ही करेंगे, वेस्ट हमारे में मारवाड़ी में कोई मतलब कोई भी हो कोई जा कुछ भी चीज़ नहीं जाने तो गुठली हो या कुछ भी हो, तो जो ये गुठली है उसकी भी सुपारी बने बनाने का इसमें भी सेम प्रोसेस है। ये मैं आपको वापस बता दूँगी कि बहुत सारे और वेराइटीज आपको मुझे सिखानी है, तो इसमें भी यही है सेम, शुगर की चाशनी करें, शुगर ध्यान रहे जो हेल्थ कॉन्शियस है जिनको डाइट करना है वो खड़ी साकर में आपको ऐसा लगेगा कि क्वांटिटी सब सेम, जो खारक में आपने डाली है वही सेम क्वांटिटी इसमें भी पड़ेगी, तो वही शुगर की चाशनी, कम शुगर की चाशनी में मिंट मीनाक्षी चटनी कश्मीरी सुगर तीनों इंग्रीडियंट डाल के इसको मिक्स करके इसको भी ड्राई कर लीजिए, सेम खारक वाला प्रोसेस है और ये भी इसी तरह सूखा पूरा बनेगा रेडी। खाने में आपको पता नहीं चलेगा कि आप ये सुपारी खा रहे हो या ये गुठली खा रहे हो, आपको किसी को बताना पड़ेगा कि भाई ये गुठली का है, खुद खाने वाला सरप्राइज हो जाएगा कि मतलब क्या खा रहे हो, बापरे ये है क्या अंदर, आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये आपने गुठली है, आम तो खाया आपने उसके अंदर की गुठली मैंने यूज की। तो आप आई होप सबको ये अलग कुछ लगा होगा और पसंद आया होगा गोंद की, और ये इसमें तीनों है सेम चीज है खाली सेम चाशनी है इस तरह है, इसको धूप में आपको नहीं सुखाना है, देखिए किस तरह ठंडा हो रही है अभी भी देखो टाइट हो गया है, इसको धूप में नहीं सुखाना है, ये चाशनी पतासा की चाशनी बनती है वैसी चाशनी बनती है, तो ये अपने आप इस तरह आधा पौना घंटा पड़ा रहेगा ठंडा हो जाएगा ड्राई हो जाएगा, इसको आप इसको तुरंत बना के यूज कर सकते हैं, जैसे अभी बनाया आपने और आप इसको यूज कर सकते हैं, आप कभी भी तुरंत बना, जैसे आज मैंने आधा किलो का बनाया पाव किलो का बनाया है या एक किलो का बना, मैं बार बार नहीं बना सकती, चलो भाई मैंने एक किलो का बना के स्टोर कर दिया तो आप बना के रख सकते, बट आप ये कभी भी बनाओ कभी भी खाओ इंस्टेंटली, धूप की जरूरत इसमें नहीं है, गुठली गीली नहीं चलेगी, सूखी हुई धूप में सुखाई हुई है ये गुठली, सूखी हुई चाहिए क्योंकि खारक कैसी सूखी हुई आती है, तो इसको भी हमको दो सीटी थोड़ी सी नरम करनी है, वैसे ही पानी नहीं डालना है और सूखी थोड़ा सा खाली नरम बस, ये जस्ट कि शक्कर और मिंट का फ्लेवर इसके अंदर कब जाएगा जब ये नरम हो जाएगी थोड़ी सी, तो नरम करने के लिए इसको ऐसा करेंगे गूंद को कुछ नहीं करना है खाली जस्ट ऊपर फ्लेवर देना है ताकि हमको गूंद हमारे खाने में आ जाए बच्चों के खाने में आ जाए, क्योंकि बच्चों का आप ऐसे गूंद खिलाओ आपका बच्चा कभी नहीं खाएगा, तो इनफेक्ट मैं भी कभी नहीं खाती थी, जब से वो फ्लेवर वाला बनाने लगे हम लोग को खुद को नहीं अच्छा लगने, नहीं यार बहुत टेस्टी लगता है, गुठली को स्टीम करना है दो तीन सिटी, मतलब इसको भी वैसे सेम खारक का प्रोसेस है, मैंने आपको बताया कि इसमें सेम खारक का प्रोसेस है, थाली नरम करना है पानी डालकर नहीं करना है, सुखाई हुई गुठली है उसको खाली स्टीम मतलब 5-6 सिटी थोड़ी इतनी नाखून अंदर घुस जाए और ड्राई, ठीक है। आपको चैट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं कि आपको कोई क्वेरीज है तो मैं आपको आंसर देती जाऊंगी उसका, तो इस तरह आपने ये देख ली होगी तीनों गुठली की गोंद की और खारक की, मतलब खारक तो मेरे बच्चों का ऐसा है कि नहीं होता तो मुझे एक भी दिन चलता नहीं, मुझे हमेशा मेरे डब्बे में वहाँ चाहिए ही चाहिए ऐसा हो जाता है। अब आपके सामने मैं तीसरी वैरायटी लेकर आ रही हूँ, कुछ गैस कर सकते हैं आप लोग कि तीसरी कौन सी वैरायटी आ रही है, जो शायद मेरे फोटोज में वगैरह सब में आपने देखी होगी,
कि कौन सी आ रही है तीसरी, कोई गैस करता है चैट बॉक्स में डालेगा क्या? वीडियो ये आपको मेवाड़सा के पेज पर मिलेगा, आप कभी भी मेरा ये वीडियो देखकर बना सकते हैं, क्योंकि मेवाड़सा के पेज पर आप टाइप करेंगे तो ये मेरा वीडियो हमेशा इस पर रहेगा। अब हम सीखने जा रहे हैं, कोई गेस करेगा ये मेरी तीसरा मुखवास मेरा कौन सा है? यस, वेरी गुड, कांता जी सिसोदिया ने आंसर दिया है आंवला, वेरी गुड, थैंक यू सो मच कांता जी कि आपने गेस किया आंवला। आंवला के इंग्रीडियंट्स बता दूंगी, और आंवला जी हाँ, सबसे पहले आंवला तो अभी कोविड के टाइम में मतलब बोलते ना कि अमृत है, अमृत मतलब मैं तो यही मानती हूँ कि ये अमृत है, इसको लेना हमारी जिंदगी बचाने के मतलब बराबर है। और ये आप जनरली मैं खुद ऐसे नहीं खा सकते हम लोग, क्योंकि आप ऐसे खाएंगे ये खट्टा भी ज्यादा लगता है, विटामिन सी की भरपूर मात्रा इसमें है तो हम लोग ज्यादा नहीं खा पाएंगे, एक पीस भी खाएंगे दूसरा पीस हम लोग को ऐसा लगता है गला खराब खट्टा नहीं, बट ये खाना इतना जरूरी नहीं है अभी कोविड के टाइम पे, और हमें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है तो ये हमें खाना ही है, तो हम इसको खाने का एक अलग तरीका आपको बताने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले इसमें तीन चार वेराइटी में बनाऊंगी, तो सबसे पहली वेराइटी में बताऊंगी आपको अभी, तो सबसे पहला मेरा बीट आंवला मुखवास। जी हाँ दोस्तों, कभी आपने सुना है इसके बारे में? और नहीं सुना है तो आप अभी सुन लीजिए। ये मैंने आंवला लिया है, जैसे अभी देखो इसमें ऐसा माप नहीं है कि पाव किलो आधा किलो, जैसे मैंने चार पांच आंवला लिया है, मुझे कलर्ड करने के लिए बीट चाहिए ताकि कलर चेंज हो, टेस्ट चेंज हो, कुछ अलग लगे दिखने में, कुछ अलग लगे, कैसा दिखेगा वो मैं बाद में आपको बताती हूँ। तो ये बीट मैंने पहले से छिलकर रखा है, जैसे आप चार पांच आंवला, जैसे मैंने ये अभी चार पांच आंवला लिया है, मैं आपको बताती हूँ कि कितना क्वांटिटी में कितना आंवला चाहिएगा आपको। अभी जैसे सीजन नहीं है, आप सोचेंगे कि सीजन ही आंवला क्या, पर फिर भी मेरे को मिला वैसे मैंने लिया है। और ये कैसा है कि आप घर पे भी अगर सुखाते हो पंखे के नीचे सूख जाता है, क्योंकि ये ज्यादा इतना पानी नहीं होता है, सूख जाता है। तो जैसे ये मैंने पांच छह आंवले ले लिए आपके सामने, ये पांच छह आंवला तो एक बीट बस हो जाएगा कलर के हिसाब से, देख सकते हैं आप लोग। आंवला को मैंने धो के सुखा दिया है पहले अच्छी तरह, और बीट को मैंने पीस पूरा छील कर साफ धो के रख दिया है। अब इसमें और क्या क्या मसाले पड़ेंगे वो मैं बता देती हूँ। इसमें अजवाइन, ये अपना लाल नमक जो घर पर अवेलेबल रहता है हमेशा, और ये थोड़ा सा अदरक का जूस है, आप देख सकते हैं अदरक का जूस है, ये हम डालेंगे इसमें, और चुटकी भर काली मिर्च, तो थोड़ा सा फ्लेवर खट्टा मीठा तीखा ऐसा फ्लेवर देगा। अजवाइन इसमें मेन है, क्योंकि ये पाचक मैंने पाचन के लिए बनाया है, तो अजवाइन इसका मेन ग्रेडिएंट है, क्योंकि अजवाइन और सेंधा नमक जो अगर इसमें आप डालेंगे तो आप बोल मान नहीं पाएंगे ये आंवला आप खा रहे हैं। तो मैं इसको प्रॉपर आपको कैसे बना रहे, मैं आपके सामने बना रही हूँ। फर्स्ट हम बीट आंवला बना रहे हैं, उसके इंग्रीडियंट्स मैं बता चुकी हूँ आपको, अब आप देखिए मैं कैसे किस तरह खींच रही हूँ। ये देखिए मैंने घर पे अपने जैसे अपना दूधी खींचते वैसे अपने को खींचना है इसको। ये देखिए नॉर्मल जस्ट हमको किसी में खींचना है इसको, दिख रहा है आप सबको क्लियरली, आपको सब चीज दिख रही है। देखिए मैं किस तरह खींच रही हूँ आंवला को, फटाफट ये रेडी हो जाता है, ज्यादा इसमें हार्डवर्क हमको नहीं करना है। बस ये फटाफट में, क्योंकि विटामिन सी जितना इसमें है और नींबू और आंवला अभी हमारे लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। हाँ वो अदरक का जूस ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालेंगे कोई नहीं, इसमें मेन इंग्रीडियंट है अजवाइन, जो अजवाइन के बिना आप फ्लेवर नहीं ले सकते इसका। क्योंकि ये अदरक का जूस मतलब मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये है इम्यूनिटी पावर के लिए बेस्ट है, मतलब ये समझ लो एक अपना मेडिसिन की तरह भी काम करेगा, और खाने में भी अपने को जैसे मुखवास है अपना मुंह अच्छा जी मिचला रहा है आपका, कभी आपको अपचन हो गया है तो आप इसका दवाई के रूप में भी इसका यूज होता है। देखें
काला नमक ले सकते हैं? हाँ, काला नमक ले सकते हैं, सेंधा नमक ले सकते हैं। सादा नमक टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि आंवला का कॉम्बिनेशन क्या सादा सेंधा नमक और लाल नमक के साथ बहुत टेस्टी बनता है। और ये क्या उपवास में एकाशन के है, उसमें अपन जो करते हैं वैष्णव से, उसमें चल जाता है। सूट का पाउडर डाल सकते? हाँ, सूट का पाउडर आप यूज कर सकते हैं इसमें। ये देखिए किस तरह ये मैंने किस दिया आपके सामने, ये मैंने किसा है किसने के अंदर। अब मैं इसी के अंदर, इसी प्लेट में जैसे आप देख रहे हैं, इसी के अंदर अब ये बीट किस रही हूँ। कलर चेंज हेल्थ के लिए अच्छा, ब्लड बढ़ाएगा, सब आपके लिए इसमें अच्छा है। और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने बीट खा लिया, और आपके बच्चों को आप अच्छे से खिला सकते हैं। ये देखिए मैं किस तरह बीट को सेम आंवले की तरह पीस रही हूँ। इसमें पूरा एक बीट चाहिए 5-6 आंवला में, और अगर पाव किलो लिया तो 2 बीट चाहिए आपको बड़ा। और ये कम ज्यादा कुछ फ्लेवर आपको बदलेगा नहीं इसमें, इसमें कलर बदलेगा और हेल्थ बदलेगी, ये जरूर है मेरा वादा आपसे कि आपके मुंह पे शाइन आ जाएगी। बीट की जगह इसमें मेरी 4 वेरायटी है, तो आगे और आपके सामने आ रही है कि बीट के अलावा आंवला को कैसे यूज करते हैं। अभी 3 वेरायटी आपके सामने और आएगी, आपने देखा है जैसा। ये देखिए किस तरह, ये देखिए अब इसको ना पूरा अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करना है। बस आपको ये दिखना चाहिए कि आप ये कलर पूरा चेंज हो गया है मेरा आंवले का, किस तरह इतना रंगीन हो गया है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है दिखने में। बीट को बॉईल करना है? बीट को बॉईल नहीं करना है, सब इसमें कच्चा चीज लेना है हमको, इसकी पौष्टिकता बढ़ानी है, घटानी नहीं है। ये देखिए किस तरह आपको ऐसे दिख रहा होगा, आप सबको कैमरे में शायद दिख रहा होगा, बराबर दिख रहा है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी स्पून, ये देखिए अब मैं डाल रही हूँ छोटा छोटा हाफ टी स्पून मैंने अजवाइन डाली इसमें। काली मिर्ची ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालेंगे कोई इशू नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है खट्टा मीठा थोड़ा सा तीखा हो तो थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, आप अगर जो न्यू ज्वाइन है वो वापस वीडियो को पूरा बता दो। ये आंवला का हम लोग बना रहे हैं आंवला बीट मुखवास, और ये अदरक का थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मेरे को एकदम लाइटली मैंने इसमें डाला है, ये हाफ टी स्पून जितना खाली जूस डाला है। और ये मैंने डाला है ये सेंधा नमक, ये प्रॉपर डालना है स्पून। सर ये देखिए आपके सामने बीट का कलर, आपको पता चल रहा है कि अभी आंवला है? चैट बॉक्स में डालिएगी, आपको पता चलता है कि आंवला है क्या ये? नहीं, सूखने के बाद भी बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि ये कलर पूरा इसने पकड़ लिया आंवला ने। आप देखिए इसमें ये रॉक सॉल्ट डाला है, आप चाहे तो सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, सादा नमक भी डाल सकते, बट मैंने ये डाला क्योंकि फ्लेवर और अच्छा आता है। और कोई क्वेरीज है इस बीट के, बीट से रिलेटेड? बहुत, अब ये टेस्ट आप ऐसे भी ऐसे खाएंगे ना, अभी आप जैसे भी एक स्पून भर के आप टेस्ट कर लीजिए कि भाई क्या कम ज़्यादा है, नमक कम ज़्यादा है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी अजवाइन और मुझे डालनी चाहिए, तो थोड़ा सा फ्लेवर और आएगा इसमें। और काली मिर्ची ऑप्शनल है, और ये जूस जो अदरक का है वो ऑप्शनल है, सूखा भी डाल सकते हैं। जितना दिखने में सुंदर है दोस्तों, उतना खाने में भी यम्मी है। आप जैसे जेट बॉक्स में डाल रखे दिख रहा बहुत यम्मी है, बट खाने में उससे ज्यादा यम्मी है, ये मेरा वादा है आपसे। ये देख लीजिए, दिख रहा है आप लोगों को? रॉक सॉल्ट अपने स्वादानुसार, नमक कभी भी स्वादानुसार ही डाला जाता है। तो मैं जैसे मैंने डाला हाफ टी स्पून, तो आप चाहिए आपको सॉल्ट जोड़ा ज्यादा खाते कम खाते, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। जूस कौन सा डाला? जूस मैंने अदरक का डाला, जिंजर, वो ऑप्शनल है। किसी किसी के घर पे जूस नहीं खाते तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। दिखने में देखिए बहुत ब्यूटीफुल है, और खाने में भी उतना ही ब्यूटीफुल है। अब देखिए ये सूखने के बाद, अजवाइन का, हाँ जी हाँ दोस्तों, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, अच्छा क्वेश्चन था चैट बॉक्स पर कि अजवाइन पीस कर डालना है। हाँ जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा क्रश करना है, आपका अजवाइन डालेंगे तो सूखने के बाद वो पूरा अलग हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि दोस्तों ने ध्यान दिया और पूछा, मुझे अच्छा लगा। आप देखिए इसको कैसे सुखाना है, अभी सुखाने का प्रोसेस, ये गीला है। अब इसको मैंने ना पूरी तरह, इसको मैंने एक अपने प्लास्टिक पर या कोई भी, जैसे मेरे थाली बड़ी थाली है उस पर आप डाल सकते हैं। देखिए ये सूखने के बाद बिल्कुल देखो इस तरह, देखिए एकदम पास में
ये देखिए दोस्तों, दिख रहा है आप सबको, दिख रहा है। और खाने में इतना टेस्टी है। हाँ जी हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई आंवला बहुत ही ज्यादा खट्टा, भाई इतना खट्टा नहीं खा पाएंगे घर में, तो आप इसमें थोड़ी सी शुगर भी डाल सकते हैं। मेरे घर में बिल्कुल मीठा नहीं खाते, मैं शुगर अवॉइड करती हूँ। वैसे भी किसी भी चीज में मैं शुगर थोड़ा कम डालती हूँ और कम मीठा हम लोग खाते हैं, तो मैंने नहीं डाला क्योंकि जी मिचलाता है तब आपको शुगर की जरूरत नहीं होती, आपको खटाई नमक सॉल्ट की जरूरत होती है, अदरक की जरूरत होती है, तो मैंने नहीं डाला है। पर मैंने इसमें दोनों वेरायटी घर पर बना के रखी है, मीठा भी डाला है शुगर भी डाली है, तो शुगर भी स्वाद अनुसार, ठीक है। स्वीट है क्या? सॉल्टी और स्वीट दोनों वेरायटी आप इसमें अपने घर के हिसाब से बना सकते हैं कि आपके घर के लोगों को क्या पसंद है, क्या रिक्वायरमेंट अपने घर की है, आप वैसा बनाएंगे। चीनी भी डालना है स्वादानुसार, जो अपने घर में आप नमक खाते हैं, सॉल्टी ज्यादा पसंद करते हैं तो सॉल्ट डालिए, मीठा पसंद करते हैं तो आप शुगर डालिए, पर नमक भी डालना है थोड़ा शुगर के साथ। शुगर मीठा पसंद करते तो आप मीठा भी बना सकते हैं। धूप में? जी हाँ दोस्तों, ये धूप पे ही सूखेगा। और ऐसे ही कि आज मैंने बनाया, अभी आज धूप नहीं आ रही है, अभी मैं कहाँ डालूंगी, अभी बनाया कहाँ रखूं, आज मैंने घर पे पंखे के नीचे डाल दिया, ड्राई हो जाएगा वो, कल मुझे थोड़ा धूप में लगाना है और फिर वापस पंखे के नीचे रखूंगी, चलेगा। ला के ये कंटेनर में हमें नहीं भरना है, पंखे के नीचे रखेंगे, इतना ड्राई होता जाएगा ये। कितने दिन तक स्टोर हो सकता है ये? आपका कम से कम थ्री मंथ स्टोर रह सकता है, 3 to 4 months, इससे ज्यादा ये नहीं रहता है, क्योंकि ये वापस वापस बन जाता है। अभी जैसे बारिश में मैंने बना के रखा है कि चलो हाँ मेरा 3-4 महीना निकल जाएगा, उतना मैंने बना के रखा है, ऐसे खा सकते हैं। और ये पंखे के नीचे भी सूखता है, बट एकदम जो स्टोर करने के लिए आपको चाहिए ड्राई, तो आपको धूप में ही सुखाना पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर में रख? रेफ्रिजरेटर में ये नहीं रख सकते दोस्तों, सॉरी, ये रेफ्रिजरेटर में, ये कूल में स्टोर करने का नहीं है, ड्राई में घर पर बाहर ही रहेगा, आप कहीं पर भी ट्रैवलिंग में ले जा सकते हैं, ये रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये अपनी फर्स्ट आंवला की बन गई, सेकेंड किसी ने गेस किया है मेरी तरफ से, उसको प्राइज है मुखवास फ्री में। कौन बताएगा कि सेकेंड वेरायटी मेरी क्या होगी? आंवला में ही वेरायटी है, तो चैट बॉक्स में अगर किसी को कुछ आइडिया है तो डाल सकते हैं आप लोग, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग कुछ इंटरेक्ट करते जा रहे हैं मेरे साथ, नहीं तो ऐसा लगेगा कि माइक्रोवेव में और ड्राई कर सकते हैं। नहीं, माइक्रोवेव में नहीं ड्राई कर सकते दोस्तों इसको, क्योंकि ये अगर माइक्रोवेव में अगर ड्राई किया तो काला हो जाएगा, कलर बदल देगा, इसको जितना पंखे के नीचे आप सुखाओगे सूख जाएगा, ये जनरली क्योंकि किस्ते है तो सूख जाता, पतला रहता है ये। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी बारिश ऐसी नमी में आप ऐसा सिखा रहे हो, कहाँ सुखाएंगे, तो आप इसका थोड़ा सा पानी थोड़ा सा निकाल सकते हैं, मैं नहीं निकालती क्योंकि मुझे विटामिन सी जितना आंवले का है मैं मुझे पूरा लेना होता है, तो थोड़ा सा दबा कर अगर आपने सब चीजें डाली है तो आप पंखे के नीचे सूख जाए। नहीं दोस्तों, ये अगर कोई गेस करेगा तो मेरी तरफ से 1 किलो मुखवास फ्री है, किस नेक्स्ट में क्या बनाने वाली हूँ। तो चलो दोस्तों, मैं ही बता देती हूँ आपको कि मैं नेक्स्ट क्या बनाने जा रही हूँ। नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ आंवला की सेकेंड रेसिपी, पालक पुदीना आंवला। ये देखिए, तो अब हम इसके पहले सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स सुन लेंगे, आप लोग सब देख लीजिए। ये मैंने 3-4 पत्ते, क्योंकि अभी मैं क्वांटिटी जैसे चार की बता रही हूँ आपको, 4 आंवला की। सबसे पहले ये लिया है मैंने पालक, स्पिनच को मैंने धो लिया और काट लिया है, आधा कप है, मतलब ये पालक हमें हेल्थ के लिए और कलर के लिए, ठीक है दोस्तों। अब ये है पुदीना दोस्तों, पुदीना फ्लेवर देगा, फ्रेशनेस देगा, मिंट हमेशा फ्रेश अपने को फील कराती है, तो ये आंवला के साथ अगर मिल जाए, जैसे आपने कितनी बार जूस भी आपने कहीं पर पिया होगा कि आंवला और पुदीने का जो जूस है बहुत ही यम्मी लगता है, तो इसका आप स्टोर करने का ये मैं तरीका बता रही हूँ। ये मैंने आंवला, ये मैंने पुदीना लिया है, तो मैंने अभी आपको दिखाने के लिए, क्योंकि अभी आप बोलेंगे कि हमारे पास ड्राई, ये पुदीना मैंने धो लिया और काट लिया हाफ कप, और ये लिया है मैंने कोरिएंडर लीव्स, तो ये मैंने तीनों चीजें ले ली, और तीनों चीजों को मैं ग्राइंड करूंगी बारीक पीस में। ध्यान रहे दोस्तों कि पानी हमें नहीं डालना है, जितना हो सके मैं नहीं पीस रहा, तो जरा सा खाली डाल सकते हैं। और मैं हमेशा ये रेफर करती हूँ, मैं मेरे घर पे हमेशा बनाती हूँ, तो क्या है दोस्तों, ये जो सूखा पुदीना पाउडर मैं रखती हूँ हमेशा, तो क्या है चीजें, मैं पालक का सूखा पुदीना पाउडर भी रखती हूँ, पुदीना का भी मैं खुद घर पर बनाती हूँ। जैसे धूप अच्छी आ रही है, अप्रैल मई की धूप है, तो आप लोग सोचते हैं कि हाँ अच्छा मिलता है पुदीना, अच्छा ला के आप घर पर धूप में नीचे जाली में सुखा सकते हैं और बारीक पीस लीजिए। तो इसको क्या है, आप डालेंगे ना तो कोई भी चीज़ आंवला की बना रहे जल्दी से सूख जाएगी, क्योंकि पानी नमी नहीं रहती, सूख जाए। वैसे ही मैं पालक का भी रखती हूँ, पालक और कोरिएंडर को मैं सुखा देती हूँ,
और बारीक एकदम एकदम कड़क, मतलब आप समझ लो ना वन डे में, वन डे से टू डेज में आपका पालक पुदीना और ये कोरिएंडर सूख जाता है धूप में, और कलर बिल्कुल बदली नहीं होता है, तीनों चीज़ें सूख जाती है। बारीक एकदम बारीक चॉप करके आप बॉटल में टाइट एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए। किसी भी टाइम आपको किसी में कलर चाहिए, जैसे अपने को कुछ चीज़ें डिफरेंट बनानी है, तो आप उसमें वो पाउडर डाल दीजिए। आप देखिए कि कितना यम्मी, दिखने में यम्मी, खाने में यम्मी, और फ्लेवर आपको देख एनी टाइम देगा कि हमें टाइम नहीं है, कौन पालक लाएगा, कौन साफ करेगा, पीसेगा, कि किसी किसी भी चीज़ में हमें नमी की ज़रूरत नहीं होती है, ड्राई चीज़ें चाहिए, तो आप थोड़ा स्टोर करके रखिए तो बहुत अच्छी बनेगी। तो नेक्स्ट अभी हम लोग पालक आंवला पुदीना का ये बनाने जा रहे हैं। जैसे मैंने ये आंवला पीस लिया है, ये देखिए आप सबको दिख रहा है आंवला। अब मैं आ रहा है मेरे साथ पीस कर, जो मैंने तीनों इंग्रेडिएंट्स आपको बताए, पालक पुदीना और कोरिएंडर लीव्स। तो अब मैं इसमें सूखा नहीं डालू क्योंकि आपके पास अवेलेबल नहीं, अभी मुझे आपको ऐसे ही बताना जो आपके पास अवेलेबल है और आप बना सकते हैं। पालक अभी अवेलेबल नहीं, तो ऑप्शन पालक की जगह ऑप्शन में जो थर्ड मेरा आएगा उसमें बिना पालक वाला भी आएगा, एक और आएगा मुखवास, तो वो आपको बिना पालक वाला भी मिलेगा। तो वेट एंड वॉच, अभी मेरे फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ पालक वाला। तो इसमें ये मैंने चार आंवला पीस लिया है किसने में, जैसे हमने अभी मैंने आपके सामने पीसा था बीट का आंवला, वैसे मैंने भी पीस लिया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या हम लोग चीज़ें डालेंगे, अभी जो तीनों चीज़ें मैंने पीसने के लिए दी है वो अपनी ग्राइंड हो रही है मिक्सी में, तो इसमें भी वही सेम सब चीज़ें, मुझे थोड़ा सा चुटके पर मैंने इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर रहे हैं। दोस्तों मैं वापस बता दूं आपको, पालक दो तीन लीव्स, अभी मैं चार का ही बना रही हूँ तो मुझे मेरी इतनी क्वांटिटी कम है कि चार पांच पत्ता पालक, मतलब हाफ कप कटिंग करके हाफ कप, और हाफ कप पुदीना। पालक कलर के लिए लेना है तो थोड़ा कम लेंगे चलेगा, फ्लेवर्ड के लिए पुदीना थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, कोरिएंडर ठंडक के लिए लेना है तो थोड़ा सा डालेंगे। पुदीना पालक मिलकर और कोरिएंडर तीनों मिलकर जो कलर का जायके का तड़का इसमें लगाएंगे, मजा आ जाएगा आपको, ऐसा देख के लगेगा नहीं यार खाने में दिखने में बहुत सुंदर बनेगा। इसका मेजरमेंट मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ये चार आंवला किस्सा है, चार आंवले में मैंने चार पांच पत्ते स्पिनच, ओके दोस्तों, और हाफ कप अभी जो मैंने आपको बताया था हाफ कप, ये जैसे मैंने अभी अभी आपके सामने ये कप बताया था, ये कप मैंने भर के पुदीना लिया, पुदीने की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे और पालक और स्पिनच थोड़ा थोड़ा कलर के हिसाब से। तो मैंने हाफ कप पालक, हाफ कप कोरिएंडर और हाफ कप मैंने पुदीना, हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा कि उसका एकदम फ्लेवर्ड आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो अभी वो ग्राइंड हमारे होकर हमारे सामने आ रहा है, तब तक ये विटामिन सी हमारा भरपूर मात्रा में यहाँ पड़ा है, तो उसमें ये फ्लेवर मिक्स होने के बाद में हमें बहुत सुंदर दिखेगा वो खाने में। और बच्चों को स्पेशली आप ऐसे पालक खिलाओगे बच्चे नहीं खाते, बट इसमें देखिए आप खाएंगे, बच्चे ज़रूर खाएंगे और मांगेंगे कि ये अच्छा, मतलब आपको खुद को एक बार आप खाएंगे तो आपको लगेगा नहीं यार कुछ अलग खाया है और फ्लेवर भी कुछ अलग आया है। इसमें भी अदरक का जूस ऑप्शनल है, चाहे तो आप डालें, नहीं चलो मैं डालती हूँ जनरली क्योंकि टेस्ट अच्छा लगता है। टेस्ट कैसा होगा इसका, टेस्ट खट्टा मीठा सॉल्टी और पुदीना फ्रेशनेस वाला, इसका टेस्ट ऐसा आएगा जैसे पुदीना, आप आंवले का पुदीने का कभी जूस पीते हैं सीजन में जब भी मिलता है तभी तो हम लोग पी ही लेते हैं, बट बाद में हम लोग क्या करें, आंवला तो नहीं तो फ्रिज में भी ज़्यादा स्टोर नहीं हो सकता, फ्रीजर में भी रखो तो उसका थोड़ा टेस्ट और थोड़ा फर्क पड़ ही जाता है उस चीज़ में। आपको बिल्कुल उनको बारीक फाइन चॉप करना है, वो अभी आपके सामने ग्राइंड होके आ रहा है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था, आपको लगेगा कि यार पालक डालेंगे तो पता नहीं कैसा लगेगा, नहीं बहुत टेस्टी लगेगा, खाने में भी उतना टेस्टी, दिखने में भी उतना ही यम्मी। देखिए जैसे आपने वो पूछा था मुझे कि खारक का, ये देखिए अभी इतनी देर से पड़ा है ये खारक, आप फिर से मेरे देख सकते कि बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ये देखो बिल्कुल हाथों में नहीं चिपका, बिल्कुल एकदम ड्राई हो चुका है। तो चटनी जैसे हम लोग पीसते हैं वैसे जैसे भी कभी हम लोग बनाते हैं कुछ चटनी वटनी, तो थोड़ा सा पानी हम लोग, तो अगर पानी उस पर देखिए इसमें ये पानी बिल्कुल भी नहीं है, और अगर थोड़ा लग रहा है कि भाई दोनों का पानी मिलकर में ज़्यादा हो जाएगा कभी सूखेगा, तो ये इसका थोड़ा सा पानी अपन दबा के निकाल देंगे। ये देखिए मैंने जरा सा पानी इसमें से, खट्टाई भी थोड़ी निकल जाएगी क्योंकि ज़्यादा खट्टा कोई कोई लोग सबके घर पर नहीं खाते हैं,
क्योंकि ऑब्वियसली सबके घर का टेस्ट मेरे आपके किसी सबके टेस्ट अभी जितने भी जन जुड़े हुए हैं जैसे 300-400 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो सबके घर का टेस्ट अलग अलग होता है। तो किसी के घर में खट्टा बहुत ज्यादा खा लेते हैं, किसी के घर में खट्टा कम खाते हैं, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा, क्योंकि पालक की चटनी बिना थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा हमें, तो इसका पानी मैंने थोड़ा सा निकाल दिया ताकि और पानी पानी नहीं हो जाए और वो सूखे। ये सूखने के बाद कैसा दिखेगा मैं बताऊंगी, मेरे पास सूखा हुआ है। दोनों साथ में पीस सकते हैं? यस, तीनों को साथ में पीसना है, अलग अलग नहीं पीसना, क्योंकि ये क्वांटिटी अभी हम कम बता रहे तो थोड़ी, और कभी भी बनाए तो आप तीनों, जस्ट पालक कलर के लिए है, ये अपना कोरिएंडर है ठंडक के लिए है, पुदीना फ्लेवर के लिए है, तो तीनों चीजों को साथ में पीसेंगे, चटनी जैसा पीस लेंगे हम लोग। हाँ जी हाँ दोस्तों, अभी किसी का क्वेश्चन आ रहा है, जब तक मैं वो क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ तब तक हमारा चटनी बन के आ रहा है। किसी ने पूछा है कि पील करके बीट को चाशनी नहीं डालनी है, बीट के किसी भी इसमें चाशनी आपको नहीं डालनी है, डायरेक्ट शुगर डालनी है, वो सूख जाती है, शुगर वो शुगर का पाउडर डालनी, ध्यान रहे कि पूरी शुगर नहीं डालनी, सूखा हुआ शुगर का पाउडर ताकि क्या वो सूख जाएगा जल्दी, आपकी शुगर डालेंगे तो गलेगी जब तक बहुत टाइम जाएगा चाशनी बन जाएगी, तो आप क्या करेंगे पाउडर शुगर पाउडर डालेंगे जल्दी से सूख जाती है और खाने में भी अच्छा लगता है, इसको मीठा कर देंगे। अब इसमें देखिए जब तक चटनी बन जाती है तब तक मैं दूसरे इंग्रेडिएंट्स डाल देती हूँ। आंवला में पील करके ग्रेट करना है? आंवला को कभी पील नहीं किया जाता था दोस्तों, उसकी पौष्टिकता कम हो जाती, इतना ध्यान रहे, क्योंकि जैसे हम लोग, मैं खुद भी पहले बनाती थी पील करके फ्रीजर में डीप फ्रीजर में रखती थी, फिर निकालती थी, फिर चाशनी में गलाती थी, उससे क्या होता था मेरा, एक तो उसकी पौष्टिकता कम हो जाती थी और प्लस क्या होता था, और अंदर रखने की वजह से और वो थोड़ा नमी और वो सब, और शुगर मुझे थोड़ा शुगर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कम यूज़ करें, फिर भी अपन अपने टेस्ट के हिसाब से आप शुगर डाल सकते हैं, कर सकते हैं। तो अब मैंने इसमें काली मिर्ची पाउडर डाली, वो चुटकी भर मैंने काली मिर्ची पाउडर डाला, इसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैंने डाला, ये ऑप्शनल है, काली मिर्ची का पाउडर आप नहीं भी डालेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा अजवाइन, ये थोड़ा सा अदरक का जूस, ये सब मैंने सेम क्वांटिटी में ये छोटा सा टीस्पून डाला, हाफ टी स्पून ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब मेरे पास जो ये चटनी बनकर रेडी आई है, ये देखिए आपके सामने एकदम फाइनली चॉप है, ये देखिए एकदम फाइनली चॉप मैंने कर दी है। अब मैं इसमें आंवला में मिक्स करने, जब आंवला का ध्यान रहे, मैंने आंवला का ये देखिए ये इतना सा पानी मैंने निकाल दिया था क्योंकि एक्सेस वाटर फिर सुखाने में अपने को तकलीफ हो जाएगी। ये देखिए किस तरह, ये देखो एकदम बारीक फाइन चटनी बन चुकी है, आप सबको दिख रही होगी, तीनों चीज़ें हैं पालक पुदीना और स्पिनच, तो ये चटनी मेरे को मैं इसमें डालती जाऊँगी। यस यस यस, ये मैंने पहले ही क्लियर किया था क्योंकि मैं हमेशा घर पर रखती हूँ, पर ये क्या है अभी अवेलेबल सबके पास, वो ड्राई नहीं होगा और हमें बनाना है और खाना है, तो आपके लिए मैंने अभी क्या रिसेंटली हम बना सकते हैं उसके लिए मैंने ये बताया आपको। आप देखिए बिल्कुल ये कलर चेंज हो चुका है पूरा, देखिए ग्रीन कलर हो चुका है। अब ये चटनी जैसे जैसे मैं देखती जाऊंगी, टेस्ट करती जाऊंगी और डालती जाऊंगी ताकि जितनी मुझे ज़रूरत लगेगी, मैं एक बार मैंने चटनी पीस कर, ये देखिए बिल्कुल ग्रीन हो चुका है, ये देखिए जैसे आपको सबको प्रॉपरली देख रहा होगा इसमें दोस्तों, देख रहा है आप सबको। यस, पालक कोरिएंडर और मिंट लीव्स। अब मैंने इसमें नमक डालना है, नमक मैंने सबसे लास्ट में क्यों डाला है क्योंकि पानी छोटा है, स्पिनच और नमक अगर पहले डाल दिया मैंने, स्पिनच पहले मिक्स कर, ये पूरा चटनी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, अब मैं सॉल्ट डालूंगी लास्ट में ताकि वो पानी कम छोड़े, और थोड़ा एक्सेस वाटर मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मैंने कम डाला है, पहले एक्सेस वाटर निकाल दिया थोड़ा सा आंवला का, ज़्यादा नहीं, एकदम भी नीचे के खत्म नहीं करना है आंवला को, बट थोड़ी सी खटाई होने की जगह कम करने की, पानी कम करना था इसमें से। नमक की डालनी, नमक की जगह ये रॉक सॉल्ट पूरा नमक का काम करता है, कभी उपवास वगैरह में भी आपको काम आ जाता है, कोई भी खा सकता है, सॉल्ट आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं, और मैं रॉक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट ज़्यादा यूज़ करती हूँ ताकि बीपी पेशेंट वगैरह कोई भी, किसी को कुछ बीपी का प्रॉब्लम है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं तो भी आपको नुकसान बिल्कुल नहीं देता है। देखिए बोलो किस तरह ये बन गए, देखिए आपको सबको दिख रहा होगा ऐसा, देखो सर ब्यूटीफुल बन चुका है, एक सरी का कलर पूरा अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे क्योंकि प्रॉपरली चम्मच से मिक्स करेंगे ये कलर एक सरी का नहीं पकड़ता है, तो ध्यान रहे कि ये
मैंने अदरक का जूस थोड़ा सा डाला, वो ऑप्शन था। शुगर ऐड कर सकते हैं इसमें? स्पिनच में आप शुगर ऐड नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि स्पिनच कैसे शुगर, स्पिनच सॉल्टी होता है और मिंट भी फ्रेशनेस, तो शुगर मेरे हिसाब से इसमें आप अपने को, आपको खटाई कम करनी है तो थोड़ा पिंच, जैसे दो पिंच ऐसा, ज्यादा ऐसा बोलते ना एकदम मीठा, जैसे मैंने पिछला जो बताया था आपको बीट वाला, वो आप मीठा बना सकते हैं थोड़ा, दो तीन चम्मच आप डाल सकते हो उसमें शुगर, शुगर पाउडर। बट इसमें जैसे अपन जूस बनाते हैं, पुदीने का जूस बनाते हैं, तो अपन कभी कभी ऐसे बोलते ना सबको सॉल्टी नहीं पसंद है, जैसे मुझे पसंद है सबको वैसा पसंद है वो जरूरी नहीं है, पर इसमें थोड़ी शुगर आप डाल सकते हो, थोड़ी मतलब इसमें क्वांटिटी कम रखें शुगर की। क्वांटिटी ऑफ अदरक, काली मिर्च एंड अजवाइन। अदरक, काली मिर्च और अजवाइन की क्वांटिटी ये देखिए मैंने आपके सामने, ये देखिए ये स्पून आपको मैं वापस दिखा देती हूँ, हाफ टी स्पून दिख रहा है दोस्तों, बस यही काली मिर्ची, ये अदरक का जूस और ये अजवाइन का। आप देखिए जैसे आप दोस्तों कोई कोई पूछ रहा है कि केरी का मुखवास कैसे बनाते, तो केरी जैसे अपन गांव में कैसे केरी सुखाते थे, केरी का भी इसी तरह है, बारीक पतला काट दीजिए और उसमें जो चाहे वो फ्लेवर्ड आप दे सकते हैं। जैसे अभी बीट में मैंने पालक का, पुदीने का, इनका दिया, आपको पालक अगर अवॉइड, अब तीसरा जो मेरा आ रहा है उसमें पालक नहीं है, आंवला का विदाउट पालक वाला है, तो ये देखिए, तो केरी का भी सेम प्रोसेस है, बारीक एकदम पतला पतला फाइनली चॉप कर दीजिए, उसके ऊपर जो चाहिए आप, बीट चाहिए तो बीट का फ्लेवर डाल दीजिए, पालक पुदीना का फ्लेवर चाहिए तो वो डाल दीजिए, कैसे अपन वो सुखाते थे गाँव में पहले वैसे आप उसको बिल्कुल ड्राई कर दीजिए धूप में, सेम बनेगा खटाई केरी की आएगी, बट दोस्तों जो इसमें है आंवला में वो किसी में नहीं है, तो आपको भी कोविड के टाइम में मुझे लगता है इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं यही लेकर आई, पर केरी का सेम प्रोसेस है आप बना सकते हैं, देख लीजिए दोस्तों। अब ये गीला है, ये पंखे के नीचे रखेंगे रात तक बिल्कुल ड्राई होने लगेगा। आई थिंक शुगर ऐड करेंगे तो टेस्ट चेंज नहीं होगा, लाइक स्वीटेंस हो। तो मैंने पहले ही दोस्तों बताया कि अपने घर के हिसाब से आप बनाएं स्वीट सॉल्टी, मेरे घर में सॉल्टी खाते मैं सॉल्टी बनाती हूँ, आपके घर में स्वीट आंवला सब्जन खट्टा, इतना खट्टा नहीं खा सकते तो आप शुगर डाल सकते, चाहिए तो मैं आपके सामने शुगर डाल के टेस्ट करके बताऊँ कि कैसा लगना, मुझे ऐसे पसंद है, हेल्थ के हिसाब से मैं नहीं डालती, बट आप हेल्थ के हिसाब से खड़ी शाखा यूज कीजिए और डाल सकते हैं, आपको उसको मिठास दे सकते हैं, मीठा पसंद है, ठीक है। तो ये अपना हो गया सेकेंड, सॉरी अजवाइन का पाउडर करना होता है। हेलो आवाज आ रही है सभी को? अभी थर्ड कौन सा आ रहा है कोई बता सकता है मुझे? अजवाइन का पाउडर करना है। यस दोस्तों मैंने तीनों में ही अजवाइन का पाउडर डाला है, किसी में भी मैंने, ये देखिए अब आप देखेंगे आंवला का किस तरह, अब ये देखिए ये ड्राई होने के बाद बिल्कुल किस तरह दिख रहा है, एकदम ग्रीन दिख रहा है, आपको शायद कैमरे में थोड़ा अलग दिख रहा होगा बट सामने लाइव देखेंगे तो बिल्कुल ग्रीन है, और देखिए ये सूखा कैसा, मैं एक से दूसरे बाउल में लेके आपको बताऊँ, ये देखिए चिपका नहीं है, आप वापस इसमें ये देखिए ज़रा भी चिपका के तक इतना ड्राई, और ये टू डेज में, ओनली टू डेज में ये ड्राई हो जाता है, इतना ड्राई हो जाता है, और खाने में उतना ही है, नमक का ध्यान रखें, नमक बराबर रहेगा तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा, स्वीटनेस आपको स्वीटनेस डालनी थोड़ी आप स्वीट कर सकते हैं, लेमन डाल सकते हैं, सॉरी दोस्तों इसमें लेमन नहीं डाला जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आंवला पूरा विटामिन सी भरपूर मात्रा में, इसमें लेमन की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि खट्टाई हमने ऑलरेडी थोड़ी सी इसकी कम की थी क्योंकि सुखाने के लिए, और बहुत भरपूर मात्रा में ये खट्टा उसमें जरूरत नहीं है लेमन जूस की। अब मेरा तीसरा आ रहा है, दो तीन अभी तीसरा और एक आ रहा है मेरे से, उनसे इंग्रेडिएंट्स में बता देती हूँ आपको, ये विदाउट स्पिनच है, ठीक है। अभी तीसरा आपका आ रहा है मेरा बिना स्पिनच का, जो खाली पुदीना, ओनली पुदीना फ्लेवर है, और इसमें मैंने जूस यूज नहीं किया है, इसमें मैंने ड्राई ड्राई पाउडर डालना है, और इसमें खाली सॉल्ट, इसमें मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड की है, शुगर डाला है तो खाने में स्वीट और सॉल्टी अलग टेस्ट देगा, ये आप स्वीट थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि अच्छा लगता है, क्योंकि पुदीने के साथ अदरक का जूस और स्वीट, केरी और नींबू की इसमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि भरपूर सी विटामिन सी मात्रा इसमें है आंवला में, और खट्टा बहुत होता है आंवला, इसमें आप चाहते तो केरी का आप अलग से बना सकते हैं, क्योंकि कभी कभी रहता है टेस्ट के हिसाब से अपन
केरी खाना पसंद करते हैं, तो वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप बना सकते हैं। वो मैंने इंग्रेडिएंट सेम है, सुखाना वही प्रोसेस है केरी का भी, और आंवले का मैंने अभी कोरोना के टाइम पे हमें जरूरत है आंवला की, मुझे लगता है सबको ही खाना जरूरी है, और अपने घर में बच्चों को जेंट्स को व्हाइट प्लेट आंवला में किसके आ रहा है मेरे सामने, तो मैं थर्ड वाला आंवला का जो वैरायटी है वो आपको दिखाने जा रही हूँ दोस्तों। आप सबको आई होप बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा कि क्या इंग्रेडिएंट्स है और कैसे बनाने का प्रोसेस है उसका आंवला का। देखिए मैंने वापस किस लिए आंवला का, ये तीन आंवला क्वांटिटी कैसी है स्वादा अनुसार, इसमें ज्यादा है आप थोड़ा कम ज्यादा इसमें ले सकते हैं, कलर के हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते, बस ध्यान रहे कि सुखा रहे तो प्रॉपर सूख जाए, क्योंकि आपने जैसे देखा मेरा किस तरह सूखा हो। अब मैंने इसमें डाला है, अब मैं इसमें सब सूखी चीजें यूज कर रही हूँ ताकि ये सुखाने में इजी पड़े। ये देखिए मैंने घर पे सुखाया हुआ पुदीना पाउडर, ये मेरा हाफ टी स्पून आपके सामने देखिए, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया बस ये लास्ट में, और थोड़ा सा काली मिर्च पिंच, और ये मेरा लाल नमक है, सादा सोल्ट भी डाल सकते हैं इसमें, और इसमें अदरक सूखे ग्रेडेड आंवला में सब चीजें मिक्स अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि आपने जब सुखाया तभी अगर डाला तो फ्लेवर अंदर तक पहुंचता है, अगर आंवला आपका ऑलरेडी सूखा हुआ होगा तो फ्लेवर नहीं पहुंचेगा दोस्तों। ये देखिए ये कलर नहीं पकड़ेगा बट फ्लेवर, तो मुझे तो देखने में अभी इतना यमी लग रहा है ना कि मतलब खा लूं, ऐसा टेम्पटेशन होता है आपको देख के, आप एक बार खाएंगे तो बार बार आपका उस तरफ जाएगा ध्यान कि मुझे खाना है, क्योंकि स्मेल इसकी इतनी पावरफुल होती है, क्योंकि पुदीना सूखा पाउडर है, और इसमें मैंने अदरक का जूस डाला है, थोड़ा सा अजवाइन डाला है पाचन शक्ति के हिसाब से, अजवाइन आपके आपको लगता है कि किसी किसी को सूट नहीं होता है, एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि सबको हर चीज यूज सूट नहीं होती, तो आप ऑप्शनल ऐप नहीं भी डालें, बट आंवला के साथ अजवाइन मुझे बहुत एक अलग फ्लेवर और अच्छा फ्लेवर देता है, तो मैंने इसमें देखिए डाला है सॉल्ट, पुदीना पाउडर, काली मिर्ची थोड़ी सी काली मिर्ची और अजवाइन। अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा क्वांटिटी कम कर सकते हैं, बट फ्लेवर थोड़ा सा देंगे तो क्या थोड़ा यमी लगता है। अदरक का पाउडर ऑप्शनल है इसमें, सॉल्ट अजवाइन और पुदीना पाउडर कंपलसरी है, आप ये अदरक का जूस ऑप्शनल है आपकी आप इच्छा हो खाते हो तो आप डाल सकते, नहीं खाते तो भी नहीं होगा। आप देखिए किस तरह, अब ये बिल्कुल ड्राई है, इसमें से खटाई नहीं निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें सब इंग्रेडिएंट्स मैंने ना सूखा पुदीना पाउडर डाला है तो जरा भी सूखा है, बिल्कुल पानी नहीं है, तो इसमें से मैंने आपके सामने मैंने पानी एक्सेस पानी नहीं निकाला है क्योंकि ऑलरेडी ड्राई है, और पहले पालक पे मैंने इसलिए पानी निकाला क्योंकि पालक को मुझे पीसना पड़ा था, चटनी बनाई तो ऑलरेडी उसमें वो पानी छूट जाता है तीनों चीजों का, तो उसमें से मैंने एक्सेस थोड़ा सा पानी निकाला था आंवला का। अब ये देखिए आपके सामने सूखने के बाद किस तरह होगा, देखिए बहुत अच्छे से मैंने मिक्स करके ये देखो किस तरह सुखाया, अब ये सुखाने का फिर से आप देख सकते हैं, सुखाने के बाद देखिए ये फिर मैं वही सुखाने का वही दिखाती हूँ आप देखो, बिल्कुल मेरे प्लेट में ही छिपका हुआ ये देखिए, और खाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप ये खा रहे हैं आंवला खा रहे हैं, बहुत टेस्टी, और ये कलर नहीं लेता है ध्यान रख दोस्तों, क्योंकि पालक का सूखा पाउडर जो मैंने डाला है वो कलर नहीं बदलेगा आंवला का, बट खाने में फ्रेशनेस देगा। अजवाइन के साथ सौंफ भी यूज कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, अजवाइन के साथ इसमें सौंफ नहीं डाली जाएगी, क्योंकि सौंफ का फ्लेवर आंवला के साथ थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑलरेडी इसमें भी थोड़ा सा रहता है आंवला में, आंवले का जूस आप ऐसे ही आंवला खा रहे तो लास्ट में जाके थोड़ा सा वो अलग लगता है अपने को, तो वो वलियारी और साथ में ये नहीं कॉम्बिनेशन नहीं चलता है, वलियारी को आप अलग से अपने को करना पड़ता है। अजवाइन पत्ता ड्राई करके यूज कर सकते हैं? अजवाइन का ड्राई पत्ता पर वो स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं देगा, कलर देगा, कलर के लिए हम लोग ऑलरेडी सारी चीजें यूज कर चुके हैं, तो हमें अजवाइन का सूखे पत्ते की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर बस आपके पास अवेलेबल है तो आप उसमें डाल सकते हैं। आंवला कैंडी कैसे बना आंवला कैंडी है आंवला के घटाघट, तो आपने दोस्तों देखा मेरी ये आंवला की तीनों वैरायटी, आंवला कैंडी जैसे दोस्तों इसमें बहुत सारे चैट बॉक्स में क्वेश्चन आ रहे हैं कि आंवला कैंडी कैसे बनाई जाती है, तो ये तो सारे ग्रेड की हुई आंवला की वैरायटी आपके सामने देख सकते हैं आप लोग, ये सारी आंवला की ग्रेडेड वैरायटी थी आंवला की कैंडी, आंवला को जरा सा
स्टीम मतलब समझो एक बॉइल, वन बॉइल ओनली, वो भी पानी में नहीं दोस्तों, स्टीम अपने कुकर में, जैसे अपन खमन रखते हैं वैसे ऊपर, जैसे मैंने अभी खारक को आपके सामने बाफा था, गुटली को बाफा था, वैसे आंवला को एक स्टीम देनी है जब तक खाए थोड़ा सा, और काट लीजिए लंबा लंबा, उसे निकाल लीजिए सब्जी में जैसे लंबा काटा जाता है, और उसमें चाट मसाला, काली मिर्ची, नमक और ये अपना सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट सब डाल कर उसको भी धूप में सुखा लीजिए, बिल्कुल आंवला कैंडी आपकी जबरदस्त बनेगी, एकदम टेस्टी बनेगी। बस यही है कि सूखना चाहिए, और आंवला को मैंने ग्रेटेड इसलिए बताया दोस्तों कि मौसम बदल चुका है सूखने के लिए, बस अभी अप्रैल मई की धूप नहीं है क्योंकि पूरा मई खत्म हो चुका है, अब मुखवास बना रहे तो हमको ग्रेटेड बनाया हमने। इसके आप आंवला कैंडी ऐसे ही बना सकते जैसे मैंने अभी बताई, और कोई से तो आप मुझे पूछ सकते हैं। घून का सुपारी का एक्चुअली मुझे सामान अभी लॉकडाउन के हिसाब से अवेलेबल नहीं हो चुका है, तो घून का मेन तौर कश्मीर जैसे दोस्तों का मुझे चैट बॉक्स में आया है, ये जैसे ये घून जो अपने पास घर पे जो सिंपल जो घून होता है, इसमें एक सेफ्रिन आती है, सेफ्रिन जो हर एक शॉप में अवेलेबल नहीं है, जैसे पान के बड़े बड़े जो होलसेल स्टोर्स हैं वहाँ पर अवेलेबल होती है, सेफ्रिन आती है जो शुगर जैसा दिखता है अपने को, और वो मिठास होती है उसमें, और लिक्विड मिंट, ये आपकी जो मैंने ड्राई मिंट जो मुखवास में सब मुखवास में अभी डाली थी वैसी नहीं चलती है दोस्तों, अपने को उसमें लिक्विड मिंट, क्योंकि ऑलरेडी ये घून ड्राई रहता है तो मिक्स कोटिंग करने के लिए हमको लिक्विड मिंट चाहिए, वो अपने को डालनी है और सेफ्रिन डालनी है, दोनों को अच्छे से मिक्स करके उसको थोड़ा सा सुखा दीजिए एक दिन धूप में, तो वो बिल्कुल आपको बाजार जैसा टेस्ट देगा। अभी मेरे को लॉकडाउन के हिसाब से इसकी सामग्री अवेलेबल नहीं हो पाई है, और कोई क्वेरीज है आपकी दोस्तों तो मुखवास से रिलेटेड अभी मैंने जितने भी मुखवास आपको सिखाए हैं, आई होप कि दोस्तों सबको आपको बहुत पसंद आया होगा, और मैं फिर से मेवाड़ सखी का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे ये स्टेज दिया है। क्वेरीज है मैं अभी भी आपकी क्लियर करना चाहूंगी। यू आर स्वीट बट आंवला कैंडी मीठी होती है, क्या उसमें हनी डाल सकते हैं? आंवला कैंडी में हनी नहीं डाला जाता है, आंवला कैंडी में नहीं डलता, आपका आंवला हनी में गलाकर बनाया जाता है दोस्तों, पर कैंडी में आंवला कैंडी में हनी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हनी कैसा है कि हर एक को पसंद नहीं आता है, इसलिए आंवला कैंडी में शुगर पाउडर ध्यान रहे, धागे वाली जो शुगर आती है, धागे वाली शुगर या खड़ी साकर जिसको बोलते हैं, बिल्कुल वो आपके लिए सेफ है, ना आपके हेल्थ को खराब करेगी ना आपके फिगर को खराब करेगी, तो दोस्तों वो आप यूज कीजिए तो मिठास भी देगा आपको। कच्चा घून तो माउथ में चिपकता है? कच्चा घून नहीं चिपकेगा, क्योंकि सेफ्रिन वही चीज करता है, ऊपर कोटिंग जो दे देता है वो घून, तो आखिर घून की क्वालिटी चिपकने की है दोस्तों, तो वो आप उससे नहीं छीन सकते, जैसे आंवला की खटास है, आंवले को आप कितना भी सुखा दो उसकी खटास को आप खत्म नहीं कर सकते, जैसे आंवले की चिकनाहट को कम, वो चिकना ही आपकी बॉडी में फायदा कर रही है, तो आप उसकी चिकनाई को खत्म कर, ऊपर एक कोटिंग ऐसा लग जाता है उससे अपने को खाने में वो इजी लगता है, अच्छा लगता है। जैसे खारक है, खारक की गुणवत्ता को आप कम नहीं कर सकते, खारक का जैसे गुण है कि भूख को बढ़ाता है, आपके जैसे बेचैनी कभी होती है तो वो बेचैनी को भी कम करता है खारक, खून की कमी को पूरा करता है, तो दोस्तों जैसे खारक की गुणवत्ता को आप कम नहीं कर सकते वैसे ही खून की गुणवत्ता को आप चिकनास को नहीं निकाल सकते, अंदर रहेगी ऊपर चिकनास नहीं रहेगी। पान वाले में दाल कौन सी डालनी? धना दाल जो सादी दाल, दोस्तों मुझे कोई किसी का चैट बॉक्स में क्वेश्चन आ रहा है कि मुखवास में धना दाल कैसे डालते हैं पान मुखवास में, तो जो धना दाल आपके नॉर्मल मार्केट में मिलती है, अपन जो नॉर्मल जो बनाते हैं धना दाल का मुखवास वो पर रोस्ट की हुई, ध्यान रहे रोस्ट की हुई और थोड़ी सी चॉप आखी डालेंगे तो थोड़ा सा टेस्ट में फर्क आ जाएगा, थोड़ी सी चॉप की हुई डालेंगे तो टेस्टी लगेगी। मेवाड़ सखी बहुत अच्छा एक स्टेज है जो अपने हुनर को बाहर लाता है दोस्तों, आप सब इसके पेज से जुड़िए और अपने हुनर को बाहर लाइए और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, और मुखवास जो रिफ्रेशमेंट हमको देता है, मतलब मेरा यही मानना है कि हेल्थ और रिफ्रेशमेंट दोनों ही होना चाहिए, तो दोनों ही मैंने ध्यान में रखते हुए सारी चीजें बनाई है। पान वाले मुखवास में मैंने सौंफ की क्वांटिटी बता दी, आप मेरे पेज पे वापस मेवाड़ सखी पेज पे जाकर पूरे में आपको वापस लिस्ट बता सकती हूँ कि कितने इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, तो आपको मेवाड़ सखी पेज पे सारे क्वेश्चन के और आंसर मिल जाएंगे। आप मेरा वीडियो चाहे तो वापस मेवाड़ सखी पेज पर जाकर देख सकते हैं, वापस अगेन जब बनाना हो तभी आप देख सकते हैं, और फिर भी कोई भी क्वेरीज है तो एनी टाइम कॉल मी। कम अगेन लाइव एंड टेक सम मोर।
दोस्तों मुझे मौका मिलेगा तो वापस बहुत अच्छा लगा और मुझे मौका मिलेगा तो मैं वापस इस स्टेज पर आकर आपको और कुछ नई चीज़ों के साथ आऊँगी और बताऊँगी। मेरा हमेशा यही पर्पस रहता है कि मैं हमेशा हेल्थ को पहले प्रायोरिटीज देती हूँ, कोई भी चीज़ सिखाने से पहले हेल्थ और सेफ। ठीक है, एक बार मैं वापस, सबका बार बार आ रहा है कि पान के इंग्रेडिएंट्स आप वापस बता दीजिए, तो जी हाँ दोस्तों सुन लीजिए, अगर 5 किलो जैसे मैं क्वांटिटी एक साथ बताती, मैं आपको 5 किलो का बता रही हूँ, आप उसी हिसाब से क्वांटिटी कम कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, 5 किलो जैसे 250 पत्ते अगर मैंने पान के लिए 1 किलो शुगर में, मतलब 1.25 किलो शुगर, 750 ग्राम शुगर, शुगर खड़ी शक्कर लेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे और नॉर्मल शक्कर नहीं वो सादी लेंगे, और इसमें बढ़ियारी धना दाल दोनों 1-1 kg, 250 पत्ते में 1-1 kg, तो आप जैसे जैसे करेंगे क्वांटिटी कम करते जाएं। और मीनाक्षी चटनी और कश्मीरी सुगंध मीनाक्षी चटनी और मिंट, ये सब चीज़ें आपको डालनी है। चाशनी बनाना है उसमें ये सब चीज़ें पहले डालनी है, फिर गुलकंद थोड़ा सा ठंडा होने के बाद गुलकंद डालें, फिर पान के पत्ते मिक्स कर दें, और करी पत्ता का सेम प्रोसेस है, पान की जगह खाली करी पत्ता डालना है। आप एक बार बना के दीजिए करी पत्ता का, आपको पता नहीं चलेगा पान खा रहे। और जी हाँ दोस्तों, अगर किसी को करी पत्ता अगर कम पसंद है कि भाई नहीं यार नहीं खाने का है तो ऐसा लगता है कि प्रॉपर टेस्ट खाना, तो आप कभी कभी थोड़ा पान और थोड़ा करी पत्ता मिक्स कर सकते हैं, इसमें पत्ती भी डालना कंपलसरी है। जो पान की पत्ती आती है अवेलेबल होती है बाजार में, ड्राई आती है, मैंने आपको वॉश करके दिखाई थी कि उसमें मिट्टी निकालनी है। केसर सिरप की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो मीनाक्षी चटनी है अपने पास, ये वाली मीनाक्षी चटनी में ऑलरेडी केसर, इसमें केसर और ये मिंट इसमें थोड़ा मिक्स रहता है, इसमें मेन केसर का रहता है, केसर की ही सुगंध है, केसर का लिक्विड है शुगर में बनाया हुआ, तो इसमें अपने को केसर की जरूरत नहीं है। इलायची लौंग ऑप्शनल है, आप डालें नहीं डालें, जैस्टीमत पाउडर डालें नहीं डालें, दालचीनी, ये पांचों चारों चीज़ें आपकी ऑप्शनल है, आपकी मर्जी होती है। मैं पूरे इंग्रेडिएंट सामग्री कितनी डालनी है आपको मेवाड़ सके पेज पे मेरी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपको कभी भी कुछ भी डाउट है आप इस वीडियो को वापस देख सकते हैं। ओके देन, थैंक यू सो मच मेवाड़ सखी, थैंक यू सो मच मेवाड़ सखी, आपने मुझे ये स्टेज दिया, और आप मेरा फ़ोन नंबर मेवाड़ सखी पेज से ले सकते हैं, और ऑर्डर्स भी लेती हूँ मैं, कभी भी किसी को ऑर्डर देना है तो आप हमें मुझे कॉल कीजिए, और फ्री सैंपल्स भी दोस्तों मेरा अवेलेबल है, अगर चाहिए तो आप किसी फ्रेंड्स वगैरह को आपको देना है तो आप फ्री सैंपल्स भी ले सकते हैं मुझसे टेस्टिंग के लिए, क्योंकि आपको पहले बताने के पहले किसको देना है तो आपको टेस्ट कराना जरूरी हो जाता है। अभी ऑनलाइन आपको समझ आएगी क्या टेस्ट है पता नहीं, बट दोस्तों मेरे पे बिलीव कीजिए बहुत यम्मी और टेस्टी बनता है जितना भी मैंने चीज़ें बना के खाई हैं। नेक्स्ट टाइम फिर से आपको दोस्तों आपसे मिलेंगे और फिर नए अंदाज में सीखेंगे और नए नए मुखवास। ओके देन बाय, सी यू दोस्तों, आई होप आप सबको पसंद आया।